It's being recorded. लेट मी सी कि मैं क्या कर सकता हूं। एक सेकेंड रुकना, मैं वॉइस का कुछ करता हूं। जस्ट वेट। जी, अब आप लोगों को मेरी आवाज़ ज़्यादा सही आ रही होगी। अच्छा, सो अब सेशन स्टार्ट करते हैं। आई वुड स्पीक अराउंड कोई 40-45 मिनट्स ऑन द इंट्रोडक्टरी क्लास। जैसे ज़्यादातर सेशंस में जो मैंने स्टार्ट करता हूँ, तो यूजली उस सेशन के एंड में बहुत आगे आगे की बातें शुरू हो जाती हैं। फॉर दोज, मैं ये सेशन तीन तरह के लोगों के लिए, जिनको पता ही नहीं कि किंडल क्या है, एक वो जिनको पता है, कुछ आइडिया है कि किंडल क्या है, लेकिन मतलब दे नाउ वॉन्ट टू स्टार्ट अर्निंग फ्रॉम इट। सही है, इसको एज ए डिजिटल मॉडल लेके चलना है उनको, एज अ सोर्स ऑफ इनकम। और तीसरे वो जिन्होंने केडीपी के ऊपर काम करा है, ठीक है, जिन्होंने केडीपी पे काम करा है, लेकिन उनको और अपनी नॉलेज एक्सटेंड करनी है। और ये भी उसमें भी दो तरह के लोग आ जाते हैं, एक जो सक्सेसफुल हैं जिनको अपनी नॉलेज एक्सटेंड करनी है, एक वो जिनके पास नॉलेज है पहले से लेकिन मार्केट नहीं कर पा रहे वो लोग। ठीक है, तो ये उन उन लोगों के लिए भी है। ठीक है, तो बाय द एंड ऑफ द सेशन इस तरह लेट्स सपोज सवाल करना, सर क्या आप कीवर्ड हंटिंग इस पे सिखा रहे होंगे, सर इस पे मार्केटिंग के वो तरीके आप बता रहे होंगे, ये सारी चीजें ऑब्वियसली मैं बता रहा हूँ, बट आई हैव टू गो स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो बहुत आगे चलना और पहले से कोई ऐसी इंफॉर्मेशन रिवील करना जो बाकी स्टूडेंट्स के बीच में क्यूरियोसिटी पैदा करे, जिन लोगों को पता है केडीपी के बारे में और जिनको पास नॉलेज है, प्लीज होल्ड योर हॉर्सेस। मैं तुम लोग से भी हेल्प ले रहूंगा, मैंने कभी इस चीज के लिए मना नहीं करा, बल्कि हमेशा इनकरेज करा है कि लोग ऑन बोर्ड आए, नॉलेज शेयर करें। आई विल गिव देम द राइटफुल क्रेडिट, बट सिंस ईसी के प्लेटफॉर्म ने बोलने का राइट स्पेसिफिक ट्रेनर्स को दिया हुआ है, तो इट शुड गो थ्रू अ प्रॉपर चैनल। दैट्स इट। ठीक है, आई एम श्योर कि मेरे एंड पे कोई मसला है नहीं, ना इंटरनेट का इशू है ना वॉइस का मसला है। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। आई विल शेयर दिस स्लाइड लिंक बाय द एंड ऑफ द सेशन इंशाल्लाह। ठीक है, सो किंडल डायरेक्ट पब्लिशिंग, फॉर those who don't know, just to give a gist, if you think कि तुम लोग के पास, ये उन लोगों के लिए जो ये सोच रहे हैं कि यार वी आर नॉट ऑथर्स, वी आर नॉट पब्लिशर्स, तो मैं किस तरह, और जिनको कोई आइडिया नहीं है किंडल का कि हम किस तरह अपने बुक पब्लिश कर सकते हैं, उन लोगों के लिए भी, those who think कि I'm too reluctant to write my own book, उन लोगों के लिए who think कि आई एम वेरी शार्प एंड बेसिकली एनालिटिकल स्किल्स मेरे अंदर बहुत हैं, मेरे अंदर ग्रो करने की स्किल्स किसी भी डिजिटल मॉडल में बहुत हैं,
skills and I know a lot of you have that thing in you, but I don't think that I'm the kind of guy jo ke books ko books is basically is digital model ke through earn kar sakta hai because I do not have the writing skills with me. So I have good news for you. You do not need writing skills for this. Well, specifically for those of you. Theek hai? I will tell you techniques how to go about doing that. Theek hai? Because isme mere ye KDP ke is session se pehle mere paas kafi sare logo ki call aayi thi jo KDP mein kaam kar rahe hain, kar chuke hain, aur ab some of them have given up, some of them are still struggling to achieve rank on KDP or sell their books on KDP. So good news for you guys as well, because jo logo ka normally thought process hota hai Kindle direct publishing mein ke kis tarah mujhe earn karna hai, they think this is what they think ke maine ek bahut zabardast book likhni hai. Ab usme do tarah ki categories aa jati hain. Theek hai, number 1, ha main abhi start kare sath, number 1 ke मुझे टेक्निकली बहुत ज्यादा टेक्निकली साउंड होना है किसी भी टॉपिक पे लिखने के लिए. ठीक है, और बस वो उसमें खो जाते हैं. और नंबर 2, वो किसी को दे देते हैं कि भाई तुम लिख दो इसके ऊपर. और दोनों चीजों में ज्यादातर वो लोग बहुत ज्यादा इनएक्यूरेसीज देख रहे होते हैं, जिसकी वजह से मेन पॉइंट जो बिजनेस का है, कमाने का पॉइंट जो है वो भूल जाते हैं इसमें कि वो कैसे कमा सकते हैं. ठीक है, सो आई विल बी टॉकिंग अबाउट ऑल द एस्पेक्ट्स एज अ होल. ठीक है, एक सेकंड होल्ड कीजिएगा. जी okay, so the course outline for Kindle publishing is getting started, writing your book, cover design, formatting for Kindle, publishing on Kindle, marketing, analytics and financial management for authors. theek hai, isme main kuch cheeze tum logo ko bata dun. When I talk about getting started or writing your book, so it's not like one session over just writing your book. It could be 3 sessions, it could be 2 sessions. Cover design could be one session, formatting for Kindle could be 1 or 2 sessions. मैं अभी इस चीजों को रिवील नहीं करूंगा मैं. ठीक है, मैं सिर्फ तुम लोग को एक आइडिया दे रहा हूं कि हम लोग क्या चीजें कवर कर रहे होंगे. इसके अलावा भी चीजें हम लोग, मेरी स्क्रीन शेयर नहीं हुई भी क्या? एक्सक्यूज मी गाइस, मेरी स्क्रीन शेयर हुई भी है? ओके, तो मैं जो हूं इन टॉपिक्स को कवर कर रहा हूँ, ये तुम लोग को आइडिया देने के लिए है गोइंग फॉरवर्ड कि मैं किन इस तरतीब से ही जा रहा मोर और लेस. हाँ, ऐसा बहुत मुमकिन है कि अगर मुझे लगता है कि कोई चीज मुझे ज्यादा एक्सटेंसिवली जाने की जरूरत है, ज्यादा इन डेप्थ जाने की जरूरत है, तो अगर मैं कवर डिजाइन पर हूँ और राइटिंग या बुक का कोई और मेरे पास पॉइंट आ गया या कोई और आइडिया आ गया चीजों को इम्प्रूव करने के लिए, तो आई विल गो वन स्टेप बैक. नॉट एज इन के पूरे स्टेप को एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन उस चीज को फिर से मैं बता रहा हूँ इन डिटेल ताकि तुम लोग को ज्यादा क्लैरिटी आ जाए. ठीक है, लेकिन दैट्स ऑल इन ऑल जो मैं कवर करूंगा. अच्छी बात यह है किंडल की. अच्छा, मैं एक दो मैं इस पूरे मॉडल को मैं कंपेयर करूंगा बेसिकली. व्हाट सीम्स टू बी द प्रॉब्लम, मसला क्या है? वॉइस क्यों नहीं आ रही? मतलब वॉइस इज ओके गाइस, तुम लोग अपने एंड पे इश्यूज देखो, मेरे एंड पे कोई भी मसला नहीं है इन, पता नहीं. तो अब मैं आप बताता हूं, मैं इस मॉडल को थोड़ा कंपेयर करूंगा मैं प्रिंट ऑन डिमांड से. ठीक है, मैं एक चीज बताता हूं तुम लोग को. प्रिंट ऑन डिमांड शायद कुछ लोगों ने करा हुआ, आप लोग में से कुछ लोगों ने नहीं करा हुआ. मैंने अपनी पहली जो, अनफॉर्चुनेटली मेरे पास इसका डैशबोर्ड नहीं है, बट इफ यू गाइस वांट मैं कहीं से अरेंज कर लूंगा, बिकॉज मैंने पार्टनरशिप पे किंडल पब्लिशिंग करा हुआ है. मैंने खुद बुक्स नहीं लिखी, आई एम नॉट अ राइटर, मतलब आई हैव बीन अ कंटेंट राइटर ऑलमोस्ट 7 to 8 ईयर्स बैक, बट आई एम नॉट अ राइटर, खासतौर पर बुक वाला राइटर तो बिल्कुल भी नहीं. सिमिलरली
आई एम नॉट अ डिजाइनर, ठीक है, मैं डिजाइनर नहीं हूं, मैं उतनी ही डिजाइनिंग जानता हूं जितनी आप लोग जानते हो कि फोटोशॉप पे कोई पिक्चर लगाओ और उस पर फिल्टर्स ऐड कर दो, ठीक है, हाँ ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा बिकॉज आई यूज कैनवा एक्सटेंसिवली, बट एक डिजाइनर के पास जो स्किल्स होती हैं वो मेरे पास स्किल्स बिल्कुल भी नहीं है, एक प्रॉपर डिजाइनर जो अपना कैरियर सेलेक्ट करता है, ठीक है. सो अब मैं दोनों मॉडल्स को कंपेयर क्यों कर रहा हूं, बिकॉज दोनों मॉडल्स में एक चीज बहुत कॉमन है, ठीक है, वो क्या है कि दोनों को सीखना आसान है, दोनों पे सेल करना आसान है, ठीक है, स्केल करना इज एन आर्ट. सेल तुम कर दोगे, मतलब फॉर एग्जांपल एक डिजाइनर है, उसने प्रिंट ऑन डिमांड के ऊपर अपनी पूरी शॉप खड़ी कर दी, जबरदस्त डिजाइन्स खड़े कर दिए, एंड आई नो पीपल प्रिंट ऑन डिमांड में जिन्होंने अपनी, मैं असल में दोनों को, दोनों की कहानियां मैं शेयर कर रहा हूँ, ये सेम गोज फॉर किंडल, आई नो पीपल इन किंडल एंड आई नो पीपल इन प्रिंट ऑन डिमांड जिन्होंने अपनी एक अच्छी खासी लाइब्रेरी बनाई हुई है इन किंडल एंड प्रिंट ऑन डिमांड में, अपने प्रिंट्स के अपने एक अच्छी खासी तवील लाइब्रेरी बनाई हुई है, एक के बाद पता नहीं 200-300-500 डिजाइन ऐड करे हैं, लेकिन कुछ भी नहीं, एक देला भी नहीं बिका उनका, सही है. एंड अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अपना स्टोर जो है, जिसका मैंने तुम लोग को स्क्रीनशॉट नहीं, मैंने तुम लोग को डैशबोर्ड शेयर करा था और दिखाया था मैंने, इफ यू गाइस स्टिल रिमेंबर, स्कोर्ड अराउंड 3 मंथ्स के अंदर $14,000, एंड $14,000 में से हार्डली 1,000-1,500 होंगे जो कि टोटल मेरी कॉस्ट थी, एंड रेस्ट ऑफ इट वॉज ऑल प्रॉफिट, ऑल ऑफ इट, ठीक है. फॉर किंडल डायरेक्ट पब्लिशिंग इसके लिए भी कुछ ऐसा ही फॉलो होता है. ये दोनों मॉडल्स में एक और चीज जो बहुत जबरदस्त चीज है मुझे लगती है और बहुत कॉमन है, वो ये कि इसमें जो लर्निंग कर्व है वो बाकियों के कंपैरेटिवली जरा कम है. मतलब अगर मैं शॉपिफाई की बात करता हूँ, अगर मैं अमेजोन एसोसिएट्स की बात करता हूँ, तो उसमें टेक्निकलिटीज ज्यादा हैं, उसमें चीजें बहुत ज्यादा हैं जो आपको समझनी पड़ती हैं, एसईओ के रूल्स. अगर मैं शॉपिफाई पे आ जाऊं, अभी जब मैं फेसबुक के ऊपर शुरू करूंगा, तो तुम लोग सोच सकते हो कि कितना ज्यादा तुम लोग को उसके ऊपर जो है ना लिंगर करना पड़ेगा, ठीक है. आई सेड अराउंड $1,500 to $2,000 $1,800 तक की कॉस्ट हो सकती है, लेकिन इससे ज्यादा नहीं, ठीक है. एंड I'll tell you something के इसमें इसका एक प्रो भी है कॉन भी है. जल्दी सीखने का, किसी भी मॉडल को जल्दी सीखने का एक कॉन भी बहुत बड़ा होता है. अगर उस मॉडल का लर्निंग कर्व जो है, जो मैंने तुम लोग को शॉपिफाई में एक लर्निंग कर्व भी दिखाया था, द कर्व के नाम से एक मैंने पूरी एक सेशन, मतलब एक सेशन मैंने जो इंट्रोडक्टरी था उसमें कर्व, लर्निंग कर्व से रिलेटेड मैंने वो तुम लोग को शेयर करा था, जिसमें तुम लोग को बताया था द डिप. एग्जैक्टली इसकी, इसका जो डिप होगा वो भी कम होगा, और जो अगर तुम लोग सक्सेसफुल हो गए तो वो भी प्रॉबेबली ज्यादा जल्दी आएगा. लेकिन इसका मसला क्या है, इसका मसला ये, क्योंकि ये ओवरऑल प्रोसेस जल्दी सीख लेता है बंदा, ये पूरा प्रोसेस बंदा जल्दी सीख लेता है, तो कंपटीशन भी फिर जल्दी आ जाता है, सही है. तो ये एक इशू है इसमें, जो प्रॉबेबली किसी को एक एज जो हासिल हो रहा है मेरे नजर में, वो ये है कि कोई भी शख्स जो, अगर लेट्स सपोज दो लोग हैं और दोनों बहुत एक्सपर्ट हैं किंडल पब्लिशिंग में, तो अगर एक दूसरे से आगे, उसका सिर्फ एक ही रीजन है कि उसके पास मार्केटिंग टेक्निक्स ज्यादा हैं, एक, या उसके पास नंबर ऑफ बुक्स ज्यादा हैं, ठीक है, एंड ही इज प्लेइंग अराउंड विद दैट. अभी तुम लोग को विद टाइम, जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जाऊंगा, तुम लोग को समझ आता रहेगा. तो अच्छा, अब नाउ हाउ टू गेट द मोस्ट आउट ऑफ दिस होल लेक्चर as a whole and plus Kindle, मैं दोनों की बात कर रहा हूँ. Have a notebook journal with you so that you can write down any new ideas that pop into your head. Now, when we started off Kindle for the first time, मैंने जिनके साथ start करा था, तो we, what I used to do, I didn't had a notebook exactly, but मैं अपने mobile का notebook use करता था to write down any ideas that popped into my head. सही है. I want you guys to do the same. तुम लोग के पास नए नए निश आइडियाज, और निश आइडियाज मैंने तुम लोग के साथ एक तो इतने शेयर कर लिए शॉपिफाई के लिए और उसके लिए, और पता नहीं क्या कुछ नहीं शेयर किया है. सो ये यूज दोज एज वेल, ठीक है. और ऐसा, इट इज हाईली लाइकली दैट यू आर इन अ पार्टी और यू विद ऑन अ डिनर विद समवन और समथिंग पॉप्स इनटू योर हेड, स्पेशली इफ यू आर सक्सेसफुल, बिकॉज वंस वंस सेल्स स्टार्ट कमिंग इन,
people become enthusiastic about it, और वो ये होता है कि वो काम पे भी हो, खाना भी खा रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, उनके दिमाग में कुछ ना कुछ उससे उन चीजों से रिलेटेड चल रहा होता है. Highly likely again कि if you do not write it down, you will forget the idea. ठीक है, तो just write it down somewhere. सही है. I'm sorry, this is apply. ठीक है, तो गाइस प्लीज अपनी वीडियोस बंद कर दो जिन्होंने अपने कैम ऑन करा हुआ है. ठीक है, अप्लाई न्यू कॉन्सेप्ट्स एंड आइडियाज एज यू प्रोग्रेस. आस्क इफ यू नीड हेल्प, आस्क हेल्प फ्रॉम मी, आस्क हेल्प फ्रॉम अदर कम्युनिटी मेंबर्स ऑफ ईसी, आस्क हेल्प आउट ऑफ ईसी. सही है, एंड टेक द स्टेप्स. आई हैव सम, क्योंकि मैं ये खुद कर चुका हूँ. I'm not working on KDP. I'm not working on print on demand as well. I'm working on Shopify right now. It's not that a lot of people question me ki sir agar aap profitable the KDP mein aap KDP mein kyun nahi rahe, sir aap profitable the print on demand mein aap print on demand mein kyun nahi rahe, aap Shopify mein kyun kaam kar rahe. I'm still seeking to work on Amazon Associates back again. I'm doing it with my sister. Sahi hai, aur mere ek do cousins hain. So what's the reason behind it? The reason is simple ki मेरे पास अभी टाइम लेवरेज वाला इतना थोड़ा सा इशू है, नंबर वन. नंबर टू, आई वॉन्ट टू बेसिकली मैं जो नेटवर्किंग करनी है, आई वॉन्ट टू कनेक्ट विद पीपल हु कैन स्टार्ट वर्किंग विद मी, बट नॉट एज ऑफ येट. अभी मुझे सिर्फ फोकस करना है कि मैं यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा लोगों को एजुकेट करूँ, उनको सिखाऊं और उनके मॉडल को सक्सेसफुल कराऊं. इससे पहले मेरा अप मतलब मैं जो और किसी चीज के ऊपर, किसी नई चीज के ऊपर जाऊं, बिकॉज़ आई हैव सम आइडियाज डाउन द फनल. मतलब जैसे ड्रॉप शिपिंग होती है, वैसे ड्रॉप सर्विसिंग होती है. हाउएवर, हैविंग सेड दिस, मेरा क्विट करने का मकसद ये नहीं था कि आई वाजंट सक्सेसफुल. अल्हम्दुलिल्लाह, आई वाज वेरी सक्सेसफुल विद केडीबी, आई वाज वेरी सक्सेसफुल विद प्रिंट ऑन डिमांड. दोनों को मैंने सिर्फ क्विट इस वजह से करा बिकॉज आई हैड टू मेक अ चॉइस कि इधर जाओ या उधर जाओ. प्लस यू आर ऑलरेडी, यू गाइस ऑलरेडी नो दैट आई एम आल्सो इनटू फ्रीलांसिंग. ठीक है, ऑनलाइन नोटबुक बिल्कुल चलेगी. आई जस्ट मेंट के मतलब सम प्लेस टू राइट डाउन योर आइडियाज. ठीक है, एंड टेक द नेक्स्ट स्टेप्स. व्हेन आई टॉक अबाउट नेक्स्ट स्टेप्स, आई मीन दैट एज यू गो ऑन विद द कोर्स विद द ट्रेनिंग, तुम लोग को बहुत सारे नए आइडियाज आएंगे और बहुत सारी दूसरों के अब, बिकॉज अब तुम लोग डिस्कशन स्टार्ट करोगे इन ग्रुप्स, बहुत सारे लोग ऐसे would jump into the conversation and would help you out. Ask them what they are doing, ask them what is making them successful. It is nothing wrong ke tum log different mentors, different logo ke paas jaake unse help lo aur unse poocho ke what made them successful in KDP. theek hai, agar tum log chahte ho main koi session karwaau guest speaker session with people who have been successful in KDP, मैं तुम लोग को खुद अपने चीजें बता रहा हूँ. साथ में अगर और भी कोई होंगे तो मैं आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं कोई गेस्ट स्पीकर सेशंस करवा लूँ जिसमें तुम लोग उनसे भी कोई सवाल जवाब कर लो. आई एम नॉट प्रॉमिसिंग एनीथिंग, आई विल आस्क देम फर्स्ट बिकॉज कॉन्फिडेंशियलिटी के इश्यूज हो सकते हैं कि मे बी दे डू नॉट वॉन्ट टू शेयर द डैशबोर्ड, मे बी सम पार्ट ऑफ देयर डैशबोर्ड और वो दिखा दे, तो आई विल ट्राई टू डू दैट, बट आई कैन नॉट प्रॉमिस एनीथिंग. सही है, आई हैव डन गेस्ट स्पीकर सेशंस इन अदर इंस्टीट्यूशंस. तो इसका सेम है, मेरा गोल मुझे उन मैं मेजोरिटी की बात कर रहा हूँ, मैं माइनॉरिटीज में बात नहीं कर रहा. There's someone who's coming back at home. Sayyeh, he's a very nice person. His name is also Motashim. Sayyeh, and he has earned around more than 5 to 10, maybe I'm not too sure about $10,000, but I'm 100% sure about that he's earned more than $5,000 in a given month through KDP, let alone KDP. Okay? I do not know how much he's earning as of now, but I will try to get him on board ताकि वो कोई एक गेस्ट स्पीकर सेशन कर ले. ठीक है, और वो अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर कर ले. बहरहाल मेरा ये केस नहीं है कि मैं तुम लोग को जो है ना $5,000 वाले गोल की तरफ लेके जा रहा हूँ. वो स्केलेबिलिटी तुम लोग का काम है, तुम लोग की मेहनत के ऊपर है कि तुम लोग कितना. मैं तुम लोग को गाइडलाइंस दे सकता हूँ कि कैसे तुम लोग अपने आपको स्केल करो, लेकिन मैं तुम लोग को ये बता रहा हूँ कि तुम लोग $500 वाले अपने गोल तक कैसे पहुंचो. ठीक है, अभी कैलकुलेशंस मैं नहीं डिस्कस कर रहा हूँ, वो बात की कहानी है. ठीक है,
सो हेल्प यू गेट योर ई बुक पब्लिश ऑन किंडल, हेल्प यू सेल एज मेनी ई बुक्स एज पॉसिबल. आई विल हेल्प यू प्रोवाइड द नॉलेज एंड स्किल्स टू बिकम द बेस्ट सेलिंग ऑथर इन अ गिवन निश. आई विल ट्राई माई बेस्ट, ठीक है. हेल्प यू अचीव योर $300 to $500 गोल इन शॉर्ट रन एंड हेल्प यू सेव एज मच मनी एज पॉसिबल. एंड व्हेन आई टॉक अबाउट एज सेविंग मनी, आई डू नॉट मीन के सेविंग के दो तरीके, एक कॉमन जो है वो ये कि आप बहुत ज्यादा कमाओ और उसमें कमाने के बाद आप एक किचन इनकम निकाल लो और इसकी इनकम निकाल लो, उसकी इनकम निकाल लो, उसके बाद आप बोलो ठीक है ये मेरी सेविंग हो गई. सेविंग का दूसरा एक नजरिया जो होता है वो होता है कटिंग योर कॉस्ट, ठीक है. तुम लोग के पास $2,000 है, दो तुम बोलते हो $3,000 है, $2,000 है, $1,000 है, $1,500 है. तुम लोग बोलते हो ये $1,500 में मैंने काम करना है, मैं कोशिश करूंगा कि मैं तुम लोग का $500 में काम करवा दूं. तुम लोग बोलते हो $3,000 है, मैं कोशिश करूंगा तुम लोग के $1,500 बचा दूं, ठीक है. दिस इज व्हाट आई मीन. सो फ्यू थिंग्स अबाउट किंडल पब्लिशिंग, एनीवन एंड एवरीवन कैन हैव किंडल, वी आर फ्री रीडिंग ऐप, ठीक है. पाकिस्तान में अगर आप अभी बैठे हुए हो और अगर आप एंड्रॉइड पे जाके लिखते हो किंडल, तो प्रॉब्ली आप लोग के पास वो फ्री फ्री ऐप ना नजर आए. लेकिन अगर जैसे मेरे पास आईफोन था एंड USID के थ्रू मैं रजिस्टर्ड था, तो मेरे पास किंडल ऐप आती थी एंड आई हैड इट ऑन माय आईफोन, तो उसके थ्रू जो है ना मैं ई बुक्स वगैरह डाउनलोड करता था और खरीदता था. एंड ऑल्सो जस्ट सो दैट यू गाइस नो, दिस इज नॉट फॉर द पास्ट 9 months, बट लास्ट ईयर मुझे पता है कि किंडल ने जो है अराउंड अराउंड आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, किंडल फायर, डू यू गाइस नो वॉट किंडल फायर इज? सो बेसिकली किंडल फायर इज अ टैबलेट जस्ट लाइक सैमसंग टैबलेट, राइट? एंड आई एम श्योर लॉट ऑफ यू गाइज डू नॉट नो अबाउट दैट, इट्स फायर टैब, ठीक है. एंड उसकी 5 मिलियन कॉपीज से ज्यादा बिकी है इन जस्ट 9 months, विच मीन्स दैट मोर एंड मोर पीपल विल come into Kindle and have a read of their library, ठीक है. More than 10% Americans read Kindle books and it's growing rapidly. In fact, I think that number is around 13 to 14% now, by now, ठीक है. Now there are two types of publishing or publishers, right? There have been, मैं तुम लोग को थोड़ा सा background दे रहा हूँ over, not I won't go into depth with the revolution of publishing, but just so that you guys know, traditionally पब्लिशिंग होती थी वेयर यू राइट अ बुक, सबमिट टू पब्लिशर्स, देन यू यूज टू होप के भाई इट गेट्स एक्सेप्टेड, ठीक है, गेट सेंट अ कॉन्ट्रैक्ट, पब्लिशर्स गेट योर बुक रेडी फॉर मार्केट, एडिटेड, फॉर्मेटेड एंड डिजाइन. दिस इज हाउ यू यूज टू बी, सही है. बट नाउ विथ किंडल पब्लिशिंग इट एवरीथिंग इज बींग डन ऑन अ होल न्यू लेवल. राइट अ बुक and if you have to do everything by yourself or you have to automate the process, say yeah, start publishing process, have your book formatted, edited and designed, choose where to self publish. Now this is when you talk about self publish, you have Kindle and you have other platforms as well. I won't be talking about other platforms, I will just be talking about Kindle, theek hai. Market your book, theek hai, as easy as that. So bahut sari wo jo हैसल वाली आपकी पूरा फनल था जहाँ पे यू यूज टू वेट के यार मेरी जो है बुक अप्रूव हो जाए, उसके बाद जो है ना पब्लिशर जो है ना आपको कॉन्ट्रैक्ट भेजता था, उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद फिर उसके ऊपर एडिटिंग, फॉर्मेटिंग, डिजाइनिंग वगैरह सब कुछ होती थी. तो वो सारी BS अब नहीं होगी. यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर गेटिंग योर ई बुक रेडी, फॉर्मेटेड, एडिटेड, डिजाइन, एंड देन यू जस्ट हैव टू गो एंड पब्लिश इट, सही है. Okay, so it's all about money. With traditional sellers, you earn around. So fun fact, कि $25 के, this is just an estimation, ठीक है? अगर तुम लोग अपनी कोई book publish करवाते हो through a publisher, even now you get a royalty of $2 for a copy sold, ठीक है? With self-published e-book author, you earn $2 royalty with $3 around $2.99 Kindle e-book sold, ठीक है? So you be the judge of it. What is more easier to sell? Even though मैं ये बात जानता हूँ, I am sure कि यहाँ पे माशाल्लाह बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं जो books को read करने के शौकीन हैं. मैं खुद भी हूँ. मैं बहुत ज़्यादा rigorously नहीं follow करता. लेकिन अगर कोई highly recommended books होती हैं by someone who I really inspire, जैसे मेरे कोई अंकल हैं या कोई हैं जो बोलते हैं डेल कार्नेगी की या रिच डैड पुअर डैड या कोई बुक्स पढ़ लो, तो देन द डिप, जैसे मैंने तुम लोग को बुक का बताया था, ठीक है.
अगर मुझे कोई बहुत ज्यादा रिकमेंड करता है तो मैं उन बुक्स को पढ़ता हूँ, दूसरा कुछ और तरीके भी है मेरे कि मैं उन बुक्स को सर्च करूँ और फिर पढ़ूँ, सही है? तो यही बुक्स $25 में, इट्स अ वैल्यू के कोई जो है ना 4-4.5 हजार रुपए दे इन बुक्स के, बाहर की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे नहीं। 4-4.5 हजार रुपए तो हमारे लिए ज्यादा है, उनके लिए $25 फिर भी इतने नहीं, लेकिन फिर भी $25 कंपेयर टू दैट $3 इज नथिंग, एक्चुअली नथिंग, राइट? तो ऑब्वियसली योर इट एनेबल्स यू टू बाय दोज बुक्स। व्हाई? बिकॉज इफ आई एम गोइंग टू आस्क यू हाउ मेनी ऑफ यू गाइस हैव टैबलेट्स और सेल फोन्स, एवरीवन एवरीवन्स गोना से यस आई डू हैव इट, सही है? तो व्हिच मींस दैट यू जस्ट वन स्टेप अवे टू डाउनलोड किंडल ऐप इन योर मोबाइल, ठीक है? एंड रीजन रिस्ट्रिक्शंस हैं मुझे पता है, लेकिन अपार्ट दैट यूएस में तो नहीं है ना, तो यू जस्ट वन स्टेप अवे टू डाउनलोड द ऐप एंड देन जस्ट बाय योर फेवरेट बुक, ठीक है? सो व्हाट सेल्स द बुक, ये सवाल है मेरा तुम लोग से, जस्ट थिंक अबाउट इट एंड जस्ट लेट मी नो व्हाट यू थिंक, ठीक है? जस्ट गिव मी वन ऑफ, और मे बी अगर तुम लोग को लगता है ये चारों पॉइंट्स हैं या दो पॉइंट्स हैं, तीन पॉइंट्स हैं, व्हाट्स इन द बुक, द कवर, द टाइटल, व्हाट एवर पीपल स्कैन थ्रू इट, जब जैसे कहीं गए। ओके ऑलराइट, ठीक है। सो आई एम गोइंग टू टेल यू दिस इन अ बिट कि एग्जैक्टली क्या चीज सबसे ज्यादा सेल करती है, यू विल गेट टू नो। सो स्टेप वन, मैं अब तुम लोग को स्टेप्स बता रहा हूँ। सो मैंने तुम लोग को आउटलाइन, मैंने आज के सेशन में तुम लोग को सिर्फ आउटलाइन देनी है। आई विल गो इन टू डिटेल विद ईच स्टेप दैट आई विल, मतलब जो अब मैं बता रहा हूँ जिसमें राइटिंग है, एडिटिंग है, बाकी जितने भी स्टेप्स मैं बता रहा हूँ, मैं तुम लोग को बेसिकली ये बता रहा हूँ कि इन स्टेप्स के ऊपर मैं बहुत डिटेल में जा रहा हूँ तुम लोग को समझाने के लिए, ठीक है? तो द स्टेप वन इज ऑब्वियसली फिनिश योर बुक, परफेक्शन इज योर एनिमी, ठीक है? सो आई एम गोइंग टू टेल यू समथिंग, द बेस्ट थिंग अबाउट किंडल, अनदर बेस्ट थिंग अबाउट किंडल इज दैट इफ यू हैव, इफ यू लिंगर टू मच ओवर परफेक्शन, ठीक है? एंड आई एम नॉट सेइंग के परफेक्शन ना दो अपनी बुक को, बट आई नो अ लॉट ऑफ पीपल जो बहुत ज्यादा परफेक्शनिस्ट होते हैं, ठीक है, और दे जस्ट कांट सी पास देयर ओन इनएक्यूरेसी, सही है? तो वो दे जस्ट लिंगर ओवर के यार नहीं, अभी भी बुक सही नहीं है, अभी भी बुक सही नहीं है, एंड इट टेक्स देम मंथ्स और इवन ईयर्स टू गेट अ बुक पब्लिश, सही है? एंड इफ यू थिंक दैट only the only factor that sells the book is just the content, then you're absolutely wrong. That is not the only case. Yes, the content matters a lot, especially for word of mouth, sahi hai? But initially, if you want your book to start getting sold out there, the first two steps that you need to focus over is, yes, jo upar logon ne, zyadatar logon ne yahan pe comment kara hai, and which is obviously the right one. Yeah, so the cover and the title, obviously. So 5,000 words and up is fine for an ebook, depending genre. You can start with a short story as well. ठीक है? So मैं तुम लोगों को बताऊं, short stories के ऊपर मैं एक बिल्कुल different topic cover कर रहा हूँगा. Short stories का एक बिल्कुल different topic है. Normal books जो आप लिखते हो, fiction books by the way सबसे ज़्यादा बिकती हैं. For short stories के ऊपर मैं एक एक अलग सेशन रख रहा हूँ जिसके ऊपर मैं बता रहा हूँ शॉर्ट स्टोरीज के ऊपर तुम लोग आइडियाज कैसे जनरेट कर सकते हो. आई हैव क्लाइंट्स ऑन फाइवर जो के मुझसे फेसबुक एड्स के थ्रू अपनी शॉर्ट स्टोरीज जो है ना वो एडवर्टाइज करा रहे हैं, ठीक है? और मैंने उनकी ई बुक कवर के लिए कुछ एड्स वगैरह भी बनाए थे. तो एनी हाउ एडिटिंग, इफ यू वॉन्ट कम्प्लीट, इफ यू वॉन्ट टू कम्पीट विद प्रोफेशनल्स, देन यू हैव, यू शुड हैव अ प्रोफेशनल टीम विद यू, ठीक है? एंड आई मीन टीम ऑफ रियली गुड एडिटर्स. यू हैव टू गो एंड सर्च विद इन योर फ्रेंड्स फैमिली नेटवर्किंग के थ्रू विद इन दिस कम्युनिटी. यू हैव टू नो पीपल हु आर रियली साउंड, टेक्निकली साउंड विद देयर राइटिंग स्किल्स, ठीक है? एंड बिकम फ्रेंड्स विद देम, ऑफर देम अ पार्टनरशिप और ऑफर देम रियली गुड रेट्स टू राइट अ गुड बुक फॉर यू, ठीक है? Writing an ebook
by yourself might not lead you to completion as you won't be able to see past your own inaccuracies and faults. ये बात तुम लोग को समझने की जरूरत है. मैं तुम लोग से ये नहीं बोल रहा कि तुम लोग अपनी बुक ना लिखो. For people, ठीक है यार, एक मिनट रुकना जरा गाइस, जस्ट वेट वन सेकेंड. मैं जरा खुद रोक रहा हूँ इन लोगों की वीडियो जितनी रोक सकता हूँ. समझ नहीं आता. I guess that does it. ठीक है, is it okay now? Okay. ठीक है, तो राइटिंग अ बुक फॉर योरसेल्फ, एक मसला इसके साथ सबसे बड़ा ये आता है. आई हैव नेवर ट्राइड राइटिंग अ बुक फॉर माय सेल्फ ऑनेस्टली स्पीकिंग, ठीक है. लेकिन मैं तुम लोग को सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर तुम लोग खुद अपनी बुक लिखने जाओगे तो फॉर दोज ऑफ यू हु आर नॉट राइटर्स, तुम लोग बहुत ज्यादा इनएक्यूरेसीज और फॉल्ट्स देखोगे. एंड दैट वुड लीड, अगर एक बुक तुम्हारी, लेट्स सपोज तुमने फोकस करा हुआ है कि यार मैंने एक महीने में एक बुक खत्म करनी है या एक महीने में दो बुक्स खत्म करनी है, तो तुम लोग कभी भी नहीं कर पाओगे ये. ट्रस्ट मी, आई हैव सीन इट myself. I've seen a lot of my friends trying to write a good book because they were not good writers as well, so it took them 6 to 7, 8 months to just get done with one book, and by the time they were done they realized ke they missed out on a lot of opportunities. matlab jis niche mein wo log likh rahe the us waqt agar usme competition low tha usme medium ho gaya tha by the time they finished off. सही है, तो इस वजह से थोड़ा सा इस चीज को भी बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत है. तुम लोग को थोड़ा सा बिजनेस माइंड से इसमें सोचने की जरूरत पड़ेगी. ठीक है, कवर डिजाइन. नाउ ये दो कवर डिजाइन मैंने अभी तुम लोग के सामने रखे हुए हैं, एंड आई एम श्योर कि तुम लोग देखते ही खुद सोच सकते हो कि कौन सा कवर डिजाइन जो है वो बेहतर है. देयर इज नो रॉकेट साइंस बिहाइंड इट. ऑब्वियसली द लेफ्ट वन, नॉट द राइट वन. ठीक है, कवर डिजाइन, द टाइटल, both of these things, and one more thing, if not the title, subtitle sells like anything, sells like anything, hands down. Sahi hai? So you need to have an amazing cover design, really amazing one, number one. Number two, you should have a really really amazing, aur iska main case study bhi tum logo ko dikhaunga, title. And if you think कि तुम्हारा टाइटल थोड़ा सा वेग है या थोड़ा सा ऐसा है कि फिलोसफिकल टाइप, समझ रहे हो ना, मतलब नॉट एग्जैक्ट पिन पॉइंट नहीं है कि समझ नहीं आ रहा कस्टमर को देखते ही कि व्हाट द बुक इज अबाउट, ठीक है, तो हैव अ सब टाइटल, हैव अ रियली नाइस सब टाइटल, ताकि समझ आ जाए वन गो में कस्टमर को कि व्हाट दिस बुक is going, what this book is all about. theek hai, so your cover and title sell your book more than anything inside the book. or 90 weight cover limitation on amazon, yahi cheez main maine aap logo ko bataya tha ki main idm pakistan mein main fiber ki classes de raha tha, aur main bata raha tha logo ko ki as a freelancer aur main khud kar raha hu is waqt abhi, how you can earn around 1000 to 2000 or 3000 even five, up to $5000 per month. main abhi kar raha hu to wahi bech raha hu. सही है, मैं अब KDP कर चुका हूँ, प्रिंट ऑन डिमांड कर चुका हूँ, राइट. मैंने तुम लोगों को बताया है इसके ऊपर, आई हैव गॉन अप टू $3000 पर मंथ. आई हैव फ्रेंड्स, आई हैव वन फ्रेंड मैंने जिसके नाम बताया भाई तुम लोगों को, मोहतशम, हु हैज अ वेरी गुड रिकॉर्ड इन KDP, हैज बेटर देन माइन, एंड ही हैज सोल्ड मोर देन $5000. I'm going to share some case studies as well regarding this thumbnail and the limitation. What is this about? जब तुम लोग ebook के section में जाते हो, ठीक है, तो you have a limitation. 90 pixel width होती है उसकी, and you can, there's only so much that you can read in that 90 width, ठीक है. मतलब thumbnail की बात कर रहा हूँ यार. For example, if I talk about Fiverr. ठीक है, ठीक है, इफ आई टॉक अबाउट फाइबर, अब तुम लोग इधर देखो दो सेकंड के लिए. मैं अभी केडीपी में नहीं जा रहा, लेकिन तुम लोग को आइडिया दे रहा हूं, ठीक है. अगर तुम लोग, बल्कि इनको छोड़ो, अच्छा ठीक है, ओके.
सो अगर मैं नीचे का टाइटल छुपा दूं, नीचे क्या लिखा हुआ है, अगर मैं नीचे का टाइटल छुपा दूं और मैं सब पिक्चर से बताऊं, तो तुम लोग को पिक्चर के लिहाज से सबसे बेस्ट इन पांच में कौन सी इमेज लग रही है? अच्छा, इन माई ओपिनियन इट्स द थर्ड वन, या थर्ड वन, मिडिल वन, यू आर राइट, द सेंटर वन. क्यों? ग्लोरी विंग्स, व्हाट डज दिस एक्सप्लेन? क्या करूं मैं ग्लोरी विंग्स का? ठीक है, सो इफ आई एम लुकिंग आउट फॉर अ लोगो, ये मुझे सिर्फ एक लोगो लग रहा है, लेकिन व्हाट डज दिस एक्सप्लेन एग्जैक्टली? ठीक है, चलो मे बी आप फिर भी एक लोगो एक ऐसा सेक्शन है, फिर भी आप बोल सकते हो चलो यार आप जो है ना कुछ वो एज अ पोर्टफोलियो लगा सकते हो, लेकिन स्टिल आई विल डिजाइन 20 सोशल मीडिया पोस्ट. ओके, ये सोशल मीडिया पोस्ट है, बट डू यू नो कि जब आप फेसबुक पे आप जब स्क्रॉल कर रहे होते हो, एंड बिकॉज यू गाइस ऑलरेडी नो दैट आई एम फेसबुक एड्स एक्सपर्ट एज वेल, जब आप फेसबुक पे स्क्रॉल कर रहे होते हो तो व्हाट इज द फर्स्ट फॉरमोस्ट थिंग दैट कैचेस योर आई? इट इज द इमेज, इट इज द वीडियो दैट कैचेस योर आई. ठीक है, थंबनेल सबसे पहली चीज होती है एक्चुअली, उसके थंबनेल के बाद जो है ना वीडियो स्टार्ट होती है, इफ देयर इज अ थंबनेल. ठीक है, तो फिर किसी ने अपनी वीडियो ऑन कर दी, स्टॉप वीडियो. ठीक है गाइस, एक सेकंड में जरा व्हाट्सएप बंद कर दूं अपना, मैसेजेस आए जा रहे हैं. ठीक है, नाउ इफ यू लुक एट दिस वन, अगर कोई कस्टमर है हु इज नॉट लुकिंग एट व्हाट्स रिटन बीनीथ द इमेज, बिकॉज ऐसा बहुत होता है कि मैं लोगों की सेक्शन में जाऊं, फॉर एग्जाम्पल लोगों के सेक्शन में जाता हूं मैं लोगो डिजाइन, और मैं ये ठीक है यहाँ पे इन्होंने लोगोस बनाए हुए, मैं देख सकता हूँ यार लोगोस हैं यहाँ पे, लेकिन अगर चलो ये प्रॉब्ली वेरी अ बैड एग्जाम्पल, ठीक है मैं अगर इस सेक्शन में आया हूं तो मुझे एज अ बायर, मुझे यहां पे कंटेंट राइटिंग स्किल्स किसी की पता नहीं चल सकती. एक चीज, थंबनेल बुरी है इस वाले में, देखो इसकी, इसने डायमेंशन सही नहीं रखी हुई, प्रॉपर डायमेंशंस होती हैं. ठीक है, तो यू हैव टू मेक श्योर कि तुम लोग की डायमेंशन सही है. नंबर टू, इनमें से कौन सी, अगर मैं नीचे नहीं पा रहा और मैं सिर्फ जल्दी से नीचे स्क्रॉल डाउन कर रहा हूं, तो कौन सी ऐसी चीजें विच कैचेस माई आई, लाइक दिस वन ओवर हियर, राइट एनी कॉन्टेंट 48 आवर्स. सही है, अगर मुझे जल्दी कंटेंट चाहिए तो ठीक है, आई कैन लुक इनटू दिस वन. तो सिमिलरली विद केडीपी, योर थंबनेल ऑफ द बुक और द कवर इटसेल्फ शुड बी वेरी वेरी क्लियर. नाउ अगर ये 90 90 विड्थ के लिहाज से ये रखी हुई है और ये बुक रखी हुई है, टेल मी ऑनेस्टली क्या तुम लोग 90 विड्थ में ये देख सकते हो, प्लस ये जिस कलर्स, जिन जो कलर्स इसने यूज करे हुए, ये इसके अंदर इतने बुरी तरह से वो मिक्स हो रहे हैं कि आप प्रॉबेबली सही तरह यू कैन नॉट इवन मेक आउट के लिखा हुआ क्या है. समझ आ रही है मेरी बात? और प्लस योर ऑटोबायोग्राफी नीचे लिखा हुआ, वही चीज रिफ्लेक्शन में लिखी हुई है, ये तो पता भी नहीं चलेगी मतलब. और प्रॉबेबली कोई कस्टमर कंफ्यूज हो रहा होगा कि शायद यहाँ पे भी इसने कुछ लिखा हुआ है, कोई इंपॉर्टेंट चीज, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा. तो आई जस्ट वॉन्टेड टू गिव यू एन एग्जाम्पल के द कवर डिजाइन एंड टाइटल एंड द सब टाइटल स्पीक्स फॉर योर बुक. एंड प्रोबेबली द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट अलॉन्ग विथ फ्यू अदर थिंग्स जिसके ऊपर तुम लोग सबसे ज्यादा फोकस कर रहे होगे. या तो एक सेकेंड, इसकी एक और एग्जाम्पल थी जो मैंने रखी नहीं है, लेकिन ये एक बहुत मशहूर राइटर है फ्रॉम 1960s, हल्टमैन, जूलियस केस स्टडी. सो इसने अपनी पहली एक बुक बनाई, ठीक है, और उसका इससे टाइटल रखा आर्ट ऑफ कॉन्ट्रोवर्सी, एंड इट हैड जीरो कॉपीज सोल्ड. ही ट्राइड टू मार्केट इट, जीरो कॉपीज सोल्ड, एंड देन ही रीनेम्ड इट टू हाउ टू आर्ग्यू लॉजिकली. मतलब वही वही चीज, सेम चीज है, लेकिन हाउ टू आर्ग्यू लॉजिकली, 30,000 कॉपीज सोल्ड, राइट? एंड देन ही वेंट ऑन टू राइट अनदर बुक, मिस्ट्री ऑफ द आयरन मास्क, विद 11,000 कॉपी सोल्ड, एंड देन ही रीनेम्ड इट टू मिस्ट्री ऑफ द मैन, मिस्ट्री ऑफ द मैन इन द आयरन मास्क, विद 30,000 कॉपी सोल्ड अगेन. एंड देन देयर वाज अनदर बुक जिसकी 8,000 कॉपी सोल्ड थी, एंड देन ही मेड इट साउंड इसी तरह थोड़ा सा और ज्यादा
जिस तरह बहुत ज्यादा एंटाइसिंग टाइटल के लिहाज से, एंड इट हैड अराउंड आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर बट आई थिंक 20,000 कॉपीज सोल्ड. ठीक है, सो इट हैज अ ह्यूज इंपैक्ट. द कॉपी द टाइटल इटसेल्फ हैज अ ह्यूज 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 इंपैक्ट. ठीक है, so step 5 publishing on Kindle takes more time to explain than actually do it. So you guys just have to do what you guys have to do is ke ek bar formatting ho jaye, and trust me when I talk about formatting, what I'll be doing over here with formatting is I think I've missed a step. Yes, step 3. Don't worry, main isko add kar dunga. Step 3 shayad mujhse delete ho gaya slides mein, galti se delete dab gaya hoga mujhse, lekin step 3 main aap tum log ko waisi bata deta hu. Step 3 is actually getting your formatting done and within 30 minutes time, and I'm talking about ki tum log ki copy jo hai 15,000 words ki hai, 15,000 words ki, you can get done with the formatting in just 30 minutes using MS Word. ठीक है, और इसमें भी मैं तुम लोग को सिखा रहूंगा कैसे करेंगे. ठीक है, सो ये वंस द फॉर्मेटिंग इज डन, यू जस्ट हैव टू गो, योर कवर डिजाइन इज डन, योर टाइटल इज डन, योर सब टाइटल इज डन, Everything is done. You just have to go on Amazon, kdp.amazon.com, and you just have to upload your book. Okay. Step 6 would be about KDP Select. Now, this is the fun part. How many of you know about KDP Select? Just press 1 if you guys know about KDP Select. Okay, Marsh. So, Mashallah, some of you guys still know about KDP Select, and it's okay. It's okay. Okay. Now here's the thing. So KDP Select is an exclusive contract with Amazon. Okay. What happens with KDP Select is ki tum jo ho Amazon ke saath contract karoge after you've uploaded your book. For 90 days कि तुम अपनी बुक कहीं और पब्लिश नहीं कर रहे होगे, किसी और प्लेटफॉर्म पे, किसी और प्लेटफॉर्म पे तुम पब्लिश नहीं कर रहे होगे. Now, होता क्या है मैं तुम लोग को समझाता हूं. ठीक है, KDP Select में Amazon अगर तुम लोग कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर अग्री कर लेते हो, तुम लोग को प्रमोशनल टूल्स अलॉट करेगा Amazon. ठीक है, यस, तुम लोग को प्रमोशनल टूल्स अलॉट करेगा Amazon, और उन प्रमोशनल टूल से तुम लोग को फायदा, इट्स बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट टूल्स है, लेकिन मैं तुम लोग को कुछ चीजें बता देता हूं कि फॉर एग्जांपल जैसे कंसीडर योरसेल्फ कि तुम लोग एक चीज में एनरोल हो जाओगे, दैट इज लाइक नेटफ्लिक्स फॉर बुक लवर्स. ठीक है, और होगा क्या कि जो लोग केडीपी सेलेक्ट में जो बायर्स की बात कर रहा हूं मैं, जो आ रहे होंगे वो बेसिकली एक फी दे रहे होंगे, मंथली फी टू Amazon, एंड दे कैन रीड एज मेनी बुक्स एज दे वांट. नाउ हियर्स द कैच, जब तुम अपनी बुक कर रहे होगे तो आई हैव अ क्वेश्चन. ठीक है, आई हैव अ क्वेश्चन कि अगर तुमने आज एक बुक बना ली है, यू हैव अ निश, एंड तुमने वो निश सेलेक्ट कर ली और तुमने सोच लिया है कि आज के बाद मैं सिर्फ इस निश के ऊपर अपनी सारी बुक्स लिख रहा हूँ, who is going to read your book? Yeah, how are you going to sell your book even for free to 20,000 people? The answer is, I'll tell you the answer. The answer is that you cannot do that unless you have something like this. It's not that easy. Matlab sahi hai, matlab if you go, main physical book ki baat nahi kar raha, theek hai, main free book ki baat kar raha hu. There are platforms jahan pe free ebooks milti hain. बट देन अगेन Amazon जैसे प्लेटफॉर्म पे, जो जितना रिनोन्ड प्लेटफॉर्म है, वहां पे जहां पे दे हैव टूल्स जो एक्सक्लूसिवली तुम्हारी बुक को जो है, तुम्हें कोई पैसे नहीं मिलेंगे. लेकिन हियर्स द कैच के नीचे केस स्टडी तुम लोग देख सकते हो कि फर्स्ट 5 डेज जो है, जहां पे तुमने अपनी बुक को फ्री रखा, और मैंने अपनी बुक को फ्री रखा था, माई फादर वॉज बेसिकली ही इज नो मोर, बट माई फादर वॉज एन इंटीरियर डिजाइनर. ठीक है, and he was amongst one of the first few interior designers of Pakistan. Karachi School of Arts se he was the first graduate in arts from Karachi School of Arts. This is like long time back. ठीक है, and
he had extensive knowledge in interior designing. So we went on creating, I asked him a few things and I was like, hey, I want to write a book in interior designing and want some ideas rolling in. So he used to read a lot of books about interior designing, bahar se bhi or sab kuch, and he had a lot of his own ideas. So I got some of his help and wrote a book in the interior designing, and I opted in for KDP Select. So what happened was, in 5 to 6 days time, and just about this specific, he used to do interior designing specifically, or furniture designing, in fact, in fiberglass and wrought iron. Sahi hai? To us niche mein kuda tha, and we had almost 800 to 70,000 between those figures, ebooks rolling in for free download, free reads. And trust me, after 7 days, when the promotion ended off, we had almost 1,079 sales. Okay, just because of word of mouth. Now, what happens is, okay, when you're enrolling yourself for KDP Select for free promotions, and you're not going to get paid for any books sold, it is 100% free. Yeah, I will tell you his name after the class, inshallah. What happened was, ke 1,079 sales, word of mouth marketing. Sahi hai? Agar tumhari book achhi hogi, and if someone has gone through the content, theek hai, to word of mouth, bolte hai, marketing mein itself, even if it's digital marketing, kisi bhi type of marketing mein, word of mouth marketing has the most huge impact. Matlab, nothing beats word of mouth marketing. Sahi hai? So if you have a really good book and people have gone through it, then you have to rely on word of mouth marketing, which will help you get a lot of more sales rolling in. Okay. Now, Kindle development program looks something like this. If this is your book, this would look like this, something like this. Okay. Thanksgiving holiday book, entertain a large family on holidays, a holiday cookbook. ठीक है, ये इसका पूरा टाइटल है. ठीक है, द फ्री बुक्स ही हॉलीडे कुकबुक, इसका इनफैक्ट ये इसका टाइटल है. ये इसने उसमें Amazon पे उसने शायद रैंकिंग के लिए जो है ना अपना वो रखा हुआ है टाइटल. एंड एज यू कैन सी, दिस इज एनरोल्ड फॉर किंडल सेलेक्ट एंड इज फॉर $0. ठीक गाइस, जस्ट गिव मी अ मिनट, लेट मी ड्रिंक सम वाटर. Yeah, so this is a marketing exercise. We will give 2 minutes to this, 2 to 3 minutes. So you don't have to literally write it down on a notebook or somewhere, but just remember the last 5 books that you read. And the next questions, ask yourself, how did you hear about them? Why did you buy them? And have you told anyone else about the book? Just go through this for next 3 to 4 minutes. And then main phir tum log ko bataun, main tum log se puchunga nahi, बट देन मैं तुम लोग को बताऊंगा कि मोस्ट प्रोबेबली तुम लोग के आंसर्स क्या होंगे उसके ऊपर. ठीक है, जस्ट गो थ्रू दिस मार्केटिंग एक्सरसाइज. Yeah. So, वैसे I hope that most of you have done it, or at least मैं ये भी नहीं बोल रहा कि सबको करने की जरूरत है, लेकिन अगर 20-25 लोग भी कर सकते हैं, क्योंकि इसका आंसर बहुत जरूरी है. तुम लोगों को ये समझना जरूरी है कि KDP की दुनिया में कस्टमर जर्नी जो है ना, वो ऐसे नहीं चलता जैसे ई कॉमर्स में चलता है या जैसे Amazon एसोसिएट्स में चलता है. To some extent, कुछ aspects आप मिला सकते हो कुछ चीजों के, लेकिन KDP की दुनिया में चीजें कुछ ऐसे चलती हैं.
someone recommended it, you follow an author for a long time now, और उसकी कोई नई बुक निकली है जैसे डेल कार्नेगी, आई एम श्योर काफी लोग शायद जानते भी होंगे, ठीक है, यू सर्च फॉर बेस्ट बुक्स इन अ गिवन जॉनरा ऑन गूगल एंड देन यू बॉट इट. मतलब मैं तुम्हें, चलो अपने बारे में एक चीज बताता हूँ, मैंने बुक्स कुछ रीड करी नहीं है, सो कुछ बुक्स, मेरा मसला ये था कि मेरे सराउंडिंग में बहुत सारे लोगों ने बुक्स नहीं पढ़ी हुई थी, तो कुछ ऐसे एक्सपर्ट थे जिन्होंने मुझे रिकमेंड किया, ठीक है. There's only one author, कुछ few authors that I follow. लेकिन if I talk about a given genre, जिसमें मुझे लग रहा था कि नहीं यार मेरे surrounding में कुछ भी नहीं है, तो मैंने क्या करा? I just searched के Mark Zuckerberg या Bill Gates या different in, जो digital industry में जो लोग हैं जिनका बड़ा नाम है, उन लोगों ने कौन सी books read करी में? Ty Lopez, Russell Brunson and all others, सही है? So I just went on and searched के उन लोग ने कौन सी books read करी हुई है on Google, ठीक है? Because then again, अगर उन्होंने कोई book पढ़ी हुई है या recommendation दी हुई है, that is probably one of those books that I want to go ahead and read. So it's either one of those things. In short, it comes down to one point yet again, word of mouth. So with KDP, word of mouth matters the most. Yeah, so step 7, marketing, list of free sites for your free promotions. And I'm going to give you all those sites. Like I said, this is just an introductory session. I won't be giving those sites right now, as of now, but I'm going to give you some free sites. I'm going to give you some groups. जहाँ पे authors होंगे, बाकी जहाँ पे तुम लोग अपने discussion कर सकते हो, बाकी authors से बात कर सकते हो, publishers से बात कर सकते हो कि hey, I have written this book, just give it a read, it's for free, I'm not going to charge you anything, ठीक है? Go on Twitter पे, I'm going to recommend you a lot of influencers out there, Instagram shoutouts, जिनको हम लोग ने follow करा और we sold our books for free initially and then we saw some even you can do the same strategy with the paid ones, ठीक है? You can do shoutouts on specific, not just hashtags. I'm not talking about hashtags, just so that you guys know. Okay, you guys can go ahead and use hashtags as much as you want, but I doubt that you would see a lot of sales rolling in, except for kabhi koi mahine mein ek do bik jaye. That's my opinion. Okay, with shoutouts, if there's a huge influencer base, let's suppose someone has an interest in gardening and has huge matlab knowledge in gardening, sahi hai, but you do not know कि अच्छी ईबुक कवर कैसे बनेगा, अच्छा टाइटल कैसे बनेगा, अच्छा सब टाइटल कैसे बनेगा, एंड यू आउटसोर्स दैट. नाउ यू जस्ट लेफ्ट विद वन थिंग व्हिच इज मार्केटिंग. नाउ फॉर मार्केटिंग, आइदर यू कैन हायर समवन, आइदर यू कैन गेट इन टच विद मी. आई वुड रिकमेंड यू गाइस, आई वुड ऑब्वियसली रिकमेंड यू गाइस हाउ टू गो अबाउट डूइंग शाउट आउट और इस पर स्ट्रेटेजी क्या अपनानी है. एंड इफ यू आर अ गार्डनर एंड यू हैव एक्सटेंसिव नॉलेज इन गार्डनिंग, go ahead, find influencers in that specific niche, unko reach out karo, unse bolo mujhe shout out do for 24 hours or so. You have to do this extensively, theek hai? So then again, free, when I talk about free, give people what they want first and then make it a need for them. So marketing is number one. Marketing is the most important aspect, one of the most important aspects, in fact. And there are millions of writers and hundreds and millions of books out there, but they do not sell. ठीक है? और ये मैंने तुम लोगों को शुरू में भी बता दिया था इस चीज के बारे में. If you're not good with it, partner with someone who's good with it, and look to your right and left. Obviously, there's no one right on your right and left in this session, but I hope you get the gist of it. Okay, you have tons of people in EC community, you have other communities, go out and look for someone. If you get that one person, just one person who is like really, really good with one skill, let's suppose if you're a good marketer, find someone who's good with writing. If you're a good writer, find someone who can market your skill. Partner up with that one person. Okay, if you think that you're, of course, strategy, but if you think that you
इफ यू नो टॉपिक्स, इफ यू नो द कीवर्ड्स दैट, और उस निश में तुम लोग लिखवा सकते हो, मार्केट करवा सकते हो, एंड यू डोंट हैव द मनी, बट आई दैट्स हाईली अनलाइकली बिकॉज आई थिंक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ओवर हेयर हैव वॉट इट टेक्स टू इन्वेस्ट, दैट्स वॉट आई थिंक. देन इफ यू डोंट हैव द मनी, देन गो आउट एंड लुक फॉर एन इन्वेस्टर, टेल देम द होल स्ट्रेटजी कि क्या कर रहे होगे, ठीक है, एंड देन हैव अ टीम हायर्ड अंडर यू, हैव अ टीम हायर अंडर यू जिसमें राइटर हो, जिसमें सारा काम तुम फाइवर या अपवर्क के थ्रू करवा रहे हो, गेट थिंग्स रैंक्ड, डू योर रिसर्च, गेट योर होमवर्क डन, एंड देन गो आउट, राइट मोर. दिस इज अ ह्यूज, ये भी एक स्टडी में तुम लोग को बता रहा हूं, तुम लोग का काम ये होगा कि तुम लोग को एटलीस्ट 3 बुक्स के साथ जाना है. सो आई टेल यू समथिंग, आई वेंट ऑन विथ 5 बुक्स, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, एंड इट वॉज अ लॉट ऑफ हैसल, a lot of hassle to get it done, not because we were lingering over too much ke yaar inaccuracies are faults hain, it was just too much to get things done, or plus 5 different books, 5 different ideas in the same niche was matlab for those who are writers over here, I'm sure tum log ko ye baat pata hogi, writer's block ek term hoti hai, writer's block, theek hai, wo I wasn't going through writer's block, obviously. It was just a block for topics. Ke matlab yaar 5 books ho gayi hain, ab kya content likhwaye, ab kya content ho sakta hai iske upar. To ye cheez kafi masla tha. Lekin if you get your books done gradually, theek hai, slowly and gradually, to there are a lot of people around me who say ke mere paas book hai, एंड यार मेरे पास तो सिर्फ उसकी 3 सेल्स आती हैं, कोई 3-4 महीने में 3 सेल आ जाती हैं, 5 सेल आ जाती है, 6 सेल्स आ जाती हैं, तुम कैसे इससे कमा रहे हो. सो अ लॉट ऑफ पीपल बैक देन हैड टू से दिस. द थिंग इज के इफ यू हैव अ लॉट ऑफ बुक्स प्लस यू हैव द राइट मार्केटिंग स्ट्रेटजी विद यू, देन आई हैव अ केस स्टडी, लाइक देयर वाज अ वुमन, देयर इज अ वुमन एक्चुअली who has 128 Kindle books. She's my client actually. Sahi hai, Fiverr ki client. None of them sells exceptionally good, but she's earning well over 6 figures. Right? So think about this. Tum log, maine tum log ko ye baat affiliate marketing mein bhi samjhai thi aur ye main tumhe yahan pe bhi samjha raha hu. Theek hai? Exactly. That's in dollars. That's in dollars. Main tum log ko yahi baat samjhana chah raha hu ke what matters at this point is that you should have a short term plan and you should have an extended plan. Giving up is your headache, but it is, I would say it is sort of inevitable ke jab aap struggle karke kahin kuch had tak kahin pahunchte ho, I'm 100% sure that if you're following the right strategy and if you have 50 plus books ready out in the market on Kindle market, matlab you would be doing amazing. But मेरा फोकस अभी ये नहीं है कि मैं तुम लोग को वहां तक लेके जाऊं. मेरा फोकस ये है कि अभी तुम लोग को पहले 3 बुक्स के लिए जो है ना, नेक्स्ट क्लास मैं अभी नहीं करूंगा कि कैसे तुम लोग सेलेक्ट करना है सब कुछ. अभी जस्ट गेट रेडी, स्टार्ट एक्सप्लोरिंग अबाउट किंडल, गो ऑन किंडल वेबसाइट, डिफरेंट कैटेगरीज देखो. अभी तुम लोग का काम सिर्फ ये है, दैट्स द ओनली होमवर्क दैट यू गाइस हैव टू डू. तुम लोग ये दिमाग में बना लो कि तुम लोग को 3 बुक्स के ऊपर लिखना है. मैं अभी ये नहीं बोला निश रिसर्च करो, मैं अभी उसके ऊपर नहीं जा रहा, ठीक है. रिसर्च के ऊपर मैं आज बात नहीं करूंगा, एक मिनट रुकना जरा. या रिसर्च के ऊपर मैं आज बात नहीं करूंगा, ठीक है. क्या हो गया इसको, yeah, so that's pretty much it. So I'll start taking questions now. ye main guys maine tum logo ko bataya tha, aur I guess khayal aap shayad thoda late aa rahe ho, maine bataya hai ki aage nahi pucho bahut. ab dekho content wise chalte hai na, main tum logo ko affiliate marketing mein, amazon affiliate marketing mein pehli class mein to seo nahi sikha sakta tha. Now I'm coming towards that. Mujhe tum logo ko clarity dena zaruri hai har cheez ke upar. This is an introductory session, how to write a book, how to get a cover design, how to get a title done, how to get a subtitle done,
this was an introductory class on how I will be going about explaining different topics. ठीक है? Yeah. So हाँ, मैं तुम लोग को वो link दे देता हूँ. लेकिन एक बात याद रखनी है, तुम लोग को सेम निश में बुक लिखनी है, ये बात याद रखना. तुम लोग एक ही निश में, ये मत सोचना कि मैं एक ही निश में सब कुछ कर रहा हूँ. और ये वाली बात तुम लोग छोड़ दो, तो तुम लोग थोड़ा बहुत उसके लिए भी सोच रहे थे कि इस पे जो है ना मैं वो स्पिनर यूज कर लूंगा और अपनी बुक्स लिखवा लूंगा. स्लाइड का लिंक दे दिया मैंने तुम लोग को, चेक कर लेना. ठीक है? ओके. मैं वो क्वेश्चंस इग्नोर कर रहा, मैं फिर बता रहा हूँ, मैं वो क्वेश्चंस इग्नोर कर रहा. डू नॉट माइंड जो मुझे लगता है कि इस क्लास के साथ रेलिवेंट नहीं है. ठीक है? डू नॉट मेक इट हार्ड फॉर मी. मैं आई एम नॉट अ रूड पर्सन, आई एम अ वेरी काइंड पर्सन. लेकिन प्लीज मेक इट रेलिवेंट टू द टूडेज क्लास. सही है? प्रीवियस कोई क्लास है नहीं, तो प्रीवियस क्लास से रिलेटेड हम कोई क्वेश्चन पूछ नहीं सकते, ये आज की क्लास है. ठीक है? ओके. ओके. आउच. सो एस्टिमेट इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड फॉर किंडल लर्निंग, ये इस चीज के ऊपर मैं जा रहा हूँ. ये थोड़ा सा एक्सटेंसिव टॉपिक है. ये भी फिर वही चीज आ जाती है बैक अगेन के, जैसे जब मैं एफिलिएट मार्केटिंग पे स्टार्ट कर रहा था, कि दैट रियली डिपेंड्स के तुम क्या स्ट्रेटजी अपनाना चाह रहे हो. क्या तुम खुद लिखना चाह रहे हो? डिपेंडिंग के तुम्हारे पास क्या रिसोर्सेज है, मार्केटिंग तुमने करनी है. मैं जवाब दे रहा हूँ, सही है, चीज का जवाब दे रहा हूँ. इसके ऊपर मैं बता दूंगा तुम लोग को तीनों स्ट्रेटजीज के ऊपर कैसे जा सकते हैं, और इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट भी बता दूंगा. लेकिन देयर इज नो वन गुड आंसर टू दिस. सही है? फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम बोलते हो कि सब कुछ मैं करूंगा, लिखूंगा भी मैं, मार्केट भी मैं करूंगा, उसकी कम्प्लीटली डिफरेंट स्ट्रेटजी है. उस पर नेग्लिजिबल, मतलब मैं नहीं समझता कि उस पर तुम लोग को बहुत ज्यादा कोई पैसा फेंकने की जरूरत है. तुम लोग बहुत कम अमाउंट के साथ भी कर सकते हो, लेके चल सकते हो. ठीक है? सिमिलरली गोज, और $300 to $700 की बात कर रहा हूँ मैं. यस. अगर तुम लोग बोलते हो नहीं, मार्केटिंग में हैंडल कर लूंगा, राइटर मुझे चाहिए होगा, उसकी भी बता दूंगा. इट कैन गो बैक टू द सेम टॉपिक, कि अगर तुम लोग को राइटिंग करवानी है, राइटिंग के रेट्स होते हैं, उसका मैंने आइडिया तुम लोग को अमेजोन एफिलिएट की क्लास में दे दिया था, उसको फिर से मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा नेक्स्ट क्लास में. ठीक है? ओके. फिर तीसरा, नहीं मुझे मार्केटिंग भी नहीं करनी, मुझे जो है ना वो भी नहीं करना, मुझे दोनों अपने अंदर अपने साथ लेके चलने हैं. दो और लोग जो टीम मेंबर्स होंगे, मेरे अंडर काम करेंगे या मेरे साथ काम करेंगे, मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा, वो दोनों काम करेंगे. आप लोग ये भी सोच भी सकते हो, हाँ उस पर पैसा ज्यादा लगेगा फिर. ठीक है? ये सारी चीजें मैं हाईलाइट कर लूंगा. सो माई अकाउंट वॉज सस्पेंडेड बिकॉज ऑफ मैसेज by AMC, as you offer our customer free edition. It is a offer. By the way, एक सेकंड रुकना जरा. गाइस, उसका क्वेश्चन एडिट करना बंद कर दो हमजा का, और तुम लोग जरा बड़े बनो यार, तुम लोग बच्चे हो क्या 2 साल के, मतलब हद है. सो सस्पेंड वीर यार, ये शिराज, तो माशाल्लाह इतने सारे लोग हैं बीसी में कि नाम याद करना और फिर ये याद रखना कि मैंने शिराज से ये बोला था कि शिराज मुझसे क्लास के बाद एक मैसेज कर देना अलग से, तो फिर ये याद करना पड़ता है वो कौन सा स्टूडेंट था. खैर, शिराज मुझे क्लास के बाद जो है ना कॉन्टेक्ट कर लेना, मैं तुमसे इस बारे में बात कर लूंगा. या फिर मे बी प्रॉबेबली मैं नहीं कर पाऊँ, ये क्वेश्चन तुम मुझे छोड़ दो. आई विल ट्राई टू गेट बैक टू यू, आई कैन नॉट प्रॉमिस, बट दिस इज नॉट directly relevant to this class. ये फिर ये है कि मैं तुमको आराम से लेके चलूंगा, इसके ऊपर बता दूंगा कुछ चीजें हैं इसके ऊपर जो तुम कर सकते हो. ठीक है? प्लीज आई एम सॉरी, लेकिन आई एम वे टू ओवरवेल्ड विद क्वेश्चंस राइट नाउ, और आई रियली नीड टू फाइंड अ मिडिल लाइन के मैं चीजों को मैनेज करूँ, एंड आई एम स्टिल स्ट्रगलिंग विद दैट.
मुइज भाई प्लीज पुट अस ऑन नंबर्स 1 2 3 4 5. गाइस एहतिशाम प्लीज, मैंने पहले वाले का जवाब दे दिया था. आई विल कवर दैट इन इंशाल्लाह नेक्स्ट, प्रोबेबली नेक्स्ट सेशन. यस मोहतशम, या आइडियली हाउ मच कंटेंट शुड बी ऑन बुक, दैट डिपेंड्स. 5000 वर्ड्स का भी हो सकता है, ये भी मैंने बता दिया है. दैट रियली डिपेंड्स ऑन योर निश. मतलब तुम्हारी निश ऐसी भी हो सकती है कि 15000 वर्ड्स तक का रखो तुम, ठीक है. और तुम्हारी निश ऐसी भी हो सकती है कि तुम 5000 पे रखो. शॉर्ट रीड्स भी होती हैं, 5000 की भी होती हैं शॉर्ट रीड्स, ठीक है. तो दैट रियली डिपेंड्स कि तुम कितना उसको वो करना चाह रहे हो, तुम्हारी निश क्या है. ये इसका दिस देन अगेन ये चीजें कुछ आगे के टॉपिक्स के ऊपर बहुत डिपेंड करती हैं. मैं दूसरा सवाल एंटरटेन नहीं करूंगा किसी का भी, ठीक है. इफ द राइटर इज डेड, ओ गॉड, डू वी हैव द फुल राइट टू पब्लिश इट डिजिटल वर्जन? यस. दूसरे सवाल में एंटरटेन नहीं करूंगा, सबके लिए सेम सब रूल होगा. सर व्हाट इज द पोटेंशियल अर्निंग फ्रॉम किंडल फ्रीलांसिंग? ये तो मैं बता दिया आपको, आप $500 बहुत आराम से बना सकते हो. बस आपकी स्ट्रेटजी सही हो, आपकी निश सिलेक्शन सही हो, आपकी कवर सब टाइटल टाइटल ये सारी चीजें सही हो, अंदर कंटेंट, फिर वो एक अलग साइंस है कि भाई आप कंटेंट जिससे लिखवा रहे हो वो एक्सपर्ट होना जरूरी है. मैंने आप ठीक है, what about translating the book and launching it in different marketplaces? Yes, I know a lot of people who are doing this, but iski grammar bas tum sahi karwa dena, and since you're a writer yourself, wo to tum khud bhi kar sakte ho. Theek hai? Kashif, agar aapka dekhe, aap log, main aap log ko ek baat batata hu yaar, aap log ek achhi jagah baithe hue ho, ek achhi jagah training le rahe ho. आप लोग क्या, तो क्या आप लोग ये बच्चों जैसी चीजें कर रहे हो, दूसरे के क्वेश्चंस एडिट करना, डिलीट करना, क्या मिलेगा आप लोगों को इससे? ठीक है, प्लीज ये चीजें छोड़ दो, इन चीजों से बाहर निकल आओ. और ये वो लोग हैं जो कर रहे हैं, जो कुछ पता नहीं बैठ के देख ही क्यों रहे हैं, क्योंकि वो ये कुछ कुछ कर भी नहीं रहे होंगे, ठीक है. चले, मैं कुछ सोचना पड़ेगा मुझे. ये प्रोबेबली मैं आई विल गो बैक टू द प्रीवियस, बट आई एम नॉट प्रॉमिसिंग एनीथिंग. मैं प्रोबेबली पिछले उस पर वापस चला जाऊंगा, टेक्निक पे जो मैं लाइव कॉल्स लेता था, बिकॉज इस तरह तो ये बहुत, आप लोग नहीं सजेस्ट करा था कि शीट के ऊपर क्वेश्चंस ले लें, आप लोग कोई नहीं है ये इसके ऊपर डिसिप्लिन रख सकते, तो फायदा ही नहीं है कोई. खैर, व्हाट इज द पोटेंशियल, ये मैं बता चुका हूँ इसका आप लोग को जवाब. व्हाट इज व्हाट अबाउट ट्रांसलेटिंग द बुक एंड लॉन्चिंग इट इन डिफरेंट मार्केट प्लेसेस? हाँ सॉरी, इसका भी जवाब दे दिया मैंने आपको. टारगेट बजट पर बुक, ये मैं फिर बता रहा हूँ, इसका कोई एक जवाब हो ही नहीं सकता. टारगेट बजट पर बुक मैट नहीं, मैं जवाब ही नहीं दे सकता आपको इसका. ये चीजें विद टाइम, मैंने आप लोगों को बताया था, अमेजोन का भी मैंने कैलकुलेटर आप लोगों को दिया, आप लोगों को चीजों क्लैरिटी दी, मैंने आप लोगों को वे फॉरवर्ड बताया, इसमें भी मैं तुम लोगों को बताऊंगा. आई एम नो एंग्शियस, बीइंग एंग्शियस इज टोटली जस्टिफाइड, टोटली जस्टिफाइड, बट दिस हैज टू कम लेटर ऑन. आई विल आंसर दिस इन अपकमिंग सेशंस रिलेटेड टू द करंट क्लास. मतलब मैं एक्चुअली तुम लोग का ये पूछना गलत नहीं है, गलत नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम लोग का ये पूछना गलत है, लेकिन इसका अगर मैं अभी इसके ऊपर कोई एक जवाब दूंगा, उसके ऊपर 10 सवाल और खड़े हो जाएंगे, तो बेहतर है कि मैं तुम लोग को एक बार ही इसका जवाब दूं ताकि सबको क्लियर हो. सर किंडल बुक्स एंड डिजिटल ऑडियो बुक्स आर सेम? नो, ई बुक्स आर डिफरेंट, ऑडियो आर डिफरेंट, एंड देन देयर पेपर बैक्स, ठीक है. विल एड क्वेश्चन लेटर, ओके. Amir Memon, what will we offer as a Kindle freelancer? How we can wrap up on Fiverr? Sorry, not related to this session. Will not be answering this. But वैसे मैं बता देता हूँ, if you're a freelancer and if you're writing books, then it's really Fiverr पे rank करना एक अलग बात है. मतलब that's a different science. I cannot go on talk over that. That's a different.
हाँ आया गुलाम, मैं तुम प्लीज प्राइवेटली काशिफ और गुलाम दोनों मुझे प्राइवेटली मैसेज करें अपना सवाल, सिर्फ काशिफ और गुलाम। व्हाट विल ओके एज एनी स्पेसिफिक क्राइटेरिया बाय अमेज़न फॉर बुक्स वी नीड टू फॉलो? मिनट यार, बहुत छोटा हो गया ये। सो नो, देर इज नो स्पेसिफिक क्राइटेरिया। इट रियली डिपेंड्स कि आप शॉर्ट रीड लिख रहे हो या क्या लिख रहे हो। फॉर्मेटिंग तो सेम रहती है, सही है, वो मैं तुम लोग को बता दूंगा, लेकिन देर इज नो स्पेसिफिक क्राइटेरिया। यू शुड जस्ट हैव द मतलब देर इज नो एज सच कि मैं ये बोलूं कि तुम लोग वो बुक को पढ़ो या उस बुक को पढ़ो या उस बुक को पढ़ लो तो हो जाएगा तुम लोग का। बिकॉज ऑल एंड ऑल सारी चीजें मैं तुम लोग को बता रहा हूँ, कोई भी चीज रहेगी नहीं, इतना आई कैन प्रॉमिस यू। ठीक है, इबादुर रहमान सवाल। अच्छा ओके, मैं पहले गुलाम का सवाल पढ़ लूँ, उसके बाद फिर मैं काशिफ का भी पढ़ लूंगा। यस यस, दिस ह्यूज पोटेंशियल पोटेंशियल इन ऑल निशेज एक्चुअली। ठीक है, चिल्ड्रन स्टोरीज में भी हम कर सकते हैं। एक्चुअली देखो, मैंने इंटीरियर डिजाइनिंग के ऊपर करा था, और मैंने थोड़ा सा मनी मेकिंग की निश में थोड़ा सा करा था, बट इट वाज डिफिकल्ट टू गेट इट रैंक्ड बिकॉज ऑलरेडी काफी लोग उधर भी जा रहे हैं। लेकिन मैं वैसे बता रहा हूँ तुम लोग को कि मैं देयर इज नो मैं अगर ये बोलूं कि मूवी मुझसे बोले कि सर अगर मैं स्पोर्ट्स की निश में चला जाऊं वहां पोटेंशियल है, मैं बोलूंगा बिल्कुल होगा। मतलब मेरा आंसर ये होगा कि हाँ यार, उसमें होना चाहिए। आपको एरिया देखना है। मैंने तुम लोग को निशेस की एग्जांपल बताई थी, अगर तुम लोग को याद हो, दिस माइक्रो निश, दिस दिस मैक्रो निश, और ये सब तुम लोग को देखना पड़ेगा कि तुम लोग कहाँ फॉल कर रहे हो और उसके अंदर अभी क्या क्या डिमांड चल रही है। वो सारी चीजें सब कुछ करना मैं तुम लोग को बताऊंगा कैसे कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट इफ यू हैव सम बुक बुक रेडी बट डोंट वांट टू कीप दैट निश इन फ्यूचर? देखो मैं एक बात बताता हूं, मैंने बाकी लोगों के मैं यहाँ पे एंटरटेन नहीं कर रहा हूँ, सवाल काशिफ के सवाल का जवाब दे रहा हूँ। तो काशिफ एक्चुअली काशिफ ये बोल रहे हैं कि क्या मैं अपनी नेक्स्ट सेलेक्ट कर सकता हूँ बाद में अगर मुझे ना रखनी हो, कुछ ऐसा सा सवाल है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो आप निश ना, मेरा मेरी रिकमेंडेशन ये कि आप निश मत सेलेक्ट चेंज कीजिएगा अपने उस अकाउंट से। दूसरा एक तरीका मैं बताऊंगा कि आप लोग एक और अकाउंट बना के फिर आप अपना काम और शुरू कर सकते हो, उसके फिर मैं बता दूंगा, गाइडलाइंस दे दूंगा। लेकिन अभी फिलहाल आप लोग फोकस करें एक निश के ऊपर। अब होता क्या है, आप दूसरी आप अंडा गोला घंटा बना सकते हो, आप हर चीज के बारे में बात करना शुरू कर दो। मसला ये होता है कि इसमें वर्ड ऑफ माउथ का गेम है, सही है, इसमें वर्ड ऑफ माउथ का गेम है। एक प्रोफाइल, एक ऑथर एक खास निश के लिए मशहूर हो रहा होता है। तो जब आप सिर्फ एक ही टॉपिक के ऊपर के बारे में लिखते रहेंगे ना, तो आपके फॉलोअर्स बन जाएंगे, जैसे आप यूट्यूब पे सब्सक्राइबर्स बना लेते हो। अब जब आपकी कोई नई बुक आएगी तो आपके जो पिछली बुक जो होगी, जैसे सपोज वो अगर गार्डनिंग के ऊपर है और फिर दूसरी बुक आपने बनाई वो किसी एक स्पेशलाइज्ड एरिया में थी इन गार्डनिंग अगेन, तो उसके जो आपकी पिछली बुक के जो रीडर्स थे जिनको आपको बहुत आपकी बुक बहुत पसंद आई थी, फिर उनमें से बहुत सारे सब्सक्राइबर्स आपकी दूसरी बुक के लिए आएंगे। ये पूरा गेम होता है इसका, इसका गेम ही यही चलता है। ठीक, तो इस वजह से बोलते हैं कि कोशिश करें कि एक प्रोफाइल एक निश के लिए मशहूर हो। आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड। ठीक है, जी बिल्कुल। काशिफ जिलानी का जो सवाल है वो ये है कि कोई तरीका है कि हमें ये पता चले कि कौन सी बुक्स ज्यादा सेल होती है? बिल्कुल, वो मैं बताऊंगा आप लोग को। ठीक है, देखें अब वही बात है कि थर्ड सेशन के बाद मैं आप लोग को बोलूंगा, थर्ड या आई गेस अराउंड अराउंड दो सेशंस, कि
कि तुम लोग अपनी निशेस रेकमेंड करो, लेकिन जाहिर सी बात है उसके पीछे मैं कुछ नॉलेज दूंगा तुम लोग को, कुछ टूल्स बताऊंगा, कुछ तरीके बताऊंगा, टेक्निक्स बताऊंगा कैसे सर्च करो अपनी निश में, कि भाई मैं पॉलिटिक्स के बारे में बहुत जानता हूँ, या मैं इस चीज के बारे में, वर्ल्ड पॉलिटिक्स के बारे में बहुत जानता हूँ, या इकोनॉमिक्स के बारे में बहुत जानता हूँ. तो अगर तुम लोग को उस एरिया में जाना है तो फिर मैं तुम लोग को बताऊंगा तरीका कि कैसे रिसर्च करो. फिर तुम लोग आराम से बैठ के एक दो घंटे निकाल के रिसर्च करो, तुम लोग को समझ आता है हाँ ठीक है यार आई शुड स्टार्ट राइटिंग इन दिस डिश, फिर तुम लोग मुझे रिकमेंड करोगे, बट नॉट एज ऑफ येट. Not as of yet. Okay, so I was under the impression that will be. नहीं तो यू कैन तलाल यू कैन डू दैट, मैंने मना नहीं करा है, मैं बोल रहा हूँ कि आपकी मर्जी है, मैंने ये नहीं बोला. यू कैन हैव समवन राइट योर बुक, और मैंने ये बात अभी कोई तीन चार बार रिपीट तो करी है कि यू कैन ऑब्वियसली हैव समवन टू राइट योर बुक, और मैं ये बता रहा हूँ कैसे करना है. मैं ये मना तो नहीं कर रहा कि आप नहीं कर सकते, मैंने खुद क्या करा है. चले मैं अपनी बात करता हूँ, आई हैड समवन टू राइट माई बुक, और मैं ये अभी भी यही कर रहा हूँ. कंटिन्यूएशन है we'll have someone write our books and then we are going to launch it exactly how we launch. Okay, और ये वाला सीन भी है, ये वाला सीन भी है. Are you talking about VVROs वगैरह? हम उस तरफ भी जाएंगे, हम उस तरफ भी जाएंगे, लेकिन उसके लिए फिर हम लोग के पास प्रॉक्सी मार्केटर्स की तरफ जाएंगे और हम उनसे बात करेंगे, राइट? हम उस तरफ भी जाएंगे, एग्जैक्टली हम उस तरफ भी जाएंगे, लेकिन अभी फिलहाल मैं तुम लोग को बेसिक्स तो बताऊं. मैं अभी एकदम उस तरफ नहीं लेके जाऊंगा कि तुम लोग को हाइपर लॉन्च के ऊपर, और मैं तुम लोग को बताऊं कि वीवीआरओस कैसे करने होंगे उसके ऊपर और ये सारी चीजें. आई विल गो टुवर्ड्स दैट, लेकिन पहले मैं तुम लोग से सारी बेसिक्स तो बात कर लूं, पहले मैं सारी टॉपिक्स तो कंप्लीट कर लूं अपने जो मैंने खुद से सोचे हुए, बिकॉज आई डिड नॉट. देखो This is an added point कि तुम लोग के पास अब हाइपर लॉन्च और VVROs हैं. That is an amazing point. Back when I did it, उस वक्त नहीं था. ठीक है? This is a new. The people are doing this now for quite some time now. But this is now that they are doing it, right? मैं अगर किसी के साथ पार्टनरशिप करके कर रहा हूँ तो वो अब कर रहे. ऐसा नहीं है ये 2015-16 में हमारे पास था. तो I will take things from all aspects. ताकि तुम लोग के पास सब कुछ कवर्ड हो. बुक्ड ओके सो सादिया सईद एडिटिंग इलस्ट्रेटिंग हंटिंग एंड लिस्टिंग पब्लिक डोमेन बुक्स ओनली. ओके तो एहतशाम का सवाल है कि विल आई बी टीचिंग अबाउट एडिटिंग इलस्ट्रेटिंग हंटिंग एंड लिस्टिंग पब्लिक डोमेन बुक्स ऑन केडीबी आल्सो. आई विल बी डूइंग दैट, यस आई विल बी डूइंग दैट. आई विल एजुकेट यू गाइस इन ऑल डायरेक्शंस लाइक आई सेड. मैं कोशिश करूंगा कोई चीज मिस आउट ना हो, ठीक है? और अगर फिर भी कोई चीज आउट ऑफ कोर्स कॉन्टेंट चली जाती है तो मैं तुम लोग को बता दूंगा, लेकिन इट्स हाईली लाइकली कि ऐसा होगा नहीं, ठीक है? कैन वी राइट बुक्स? Well, you can. It really depends कि उस निश में मैंने explore नहीं करा हुआ. You have to research और research के techniques मैं तुम लोगों को बाद में बताऊंगा. Can you find such an e-book on Kindle whose content is excellent but needs some improvements in title and cover image? नहीं, that is something I won't recommend. Copyright issues आएंगे and problems होंगी तुम्हें. असद का सवाल मैंने स्किप किया है. असद का सवाल कहाँ है? आई डोंट ओके असद जब्बाद असका और ओके मैंने शायद स्किप कर दिया, सॉरी मैं आ जाता हूं इस पर. मैंने शायद दो तीन स्किप कर दिए इनफैक्ट. मैंने नीचे शायद स्क्रॉल करा था, मैंने स्क्रॉल करा था तो वो स्क्रॉल करने की वजह से शायद स्किप हो गए. मैंने ज़ूम आउट करा था एक्चुअली. कोई मसला नहीं है, आई विल कम बैक टू द क्वेश्चंस. ओके एक सवाल का जवाब दूंगा मैं. व्हाई डू यू प्रेफर 5 बुक्स इनिशियली ऑन द सेम निश? मैंने बताया तो था आपको, और मैं अपनी बात कर रहा हूँ. मैंने 5 बुक्स प्रेफर करी थी इन द सेम निश. इसका जवाब मेरे ख्याल से आपको मिल गया, इफ आई एम नॉट रॉन्ग इमरान.
कि सेम डिश में साइंस सिर्फ ये कि व्हेन यू स्टार्ट विद एन ई बुक एंड इफ यू हैव थ्री बुक्स आउट देयर People will give it a read. हो सकता है आपकी एक बुक सक्सेसफुल बहुत ज्यादा ना हो, एक एवरेज चलेगी, एक बहुत ज्यादा चलेगी, और एक सत्ता हो सकता है ना ही चले, या दो बिल्कुल ना चले और एक चले, ऐसा भी हो सकता है. तो प्रोबेबिलिटी का गेम होता है इसमें थोड़ा. एक दूसरा थोड़ा सा चक्कर ये होता है कि आप जब पांच या तीन बुक्स लिख रहे होते हो, मैं तो आप लोग को पांच नहीं सजेस्ट कर रहा, मैं तीन बोल रहा हूँ, ठीक है? तो जितनी ज्यादा बुक्स होंगी उतना ज्यादा काम होगा और आप ओवरवेलम हो जाओगे, तो इस वजह से मैं आप लोगों को पांच नहीं बोल रहा. तो आई होप आपको मेरा इसका जवाब मिल गया कि मैंने क्यों पांच बुक्स सेलेक्ट करी. उस्मान अकील, कैन किंडल बी यूज्ड एज अ फनल लाइक एन अवेयरनेस प्रोसेस फॉर लेस पीपल लेस सीआर पीपल? नहीं, एक्चुअली दिस इज नॉट समथिंग दैट इज गोइंग टू वर्क. देखो, if I'll tell you something, if you want to write a book over how to run a business on Amazon PL, ठीक है, या कोई और ज़्यादा specific बात कर लो, ठीक है, या मैं बहुत एक सरसरी से टॉपिक्स बोल रहा हूँ, मैं इस पे वो नहीं कर रहा मैं, या Shopify dropshipping के ऊपर जो है ना, product hunting की तुमने एक book लिख दी. वाओ, मैंने तो एक आइडिया भी दे दिया, टॉप 10 हंटिंग प्रोडक्ट्स, हंटिंग टेक्निक्स ऑन शॉपिफाई ड्रॉपशिपिंग फॉर एग्जांपल, ठीक है? तो अगर तुम लोग ने ये बुक लिख दी, तो अब बात ये है कि तुम इसके ऊपर तो कैश इन कर सकते हो, ठीक है, लेकिन नॉट समथिंग लाइक दिस. प्रोडक्ट लिंक्स को तुम डालो, ये सब कुछ नहीं, आई वुडंट रिकमेंड दिस. And by the way, वो outbound links नहीं होते हैं, सही है? Links होते नहीं आप within e-books. Will there be any paid tools which we will be using? Probably yes. I have some 4 to 5 tools, different tools in my mind. अब वो मैं तुम लोग को बता दूँगा, ठीक है? I will not be answering more than one question. Time required daily and in total for $500 remaining investment required. ओके, चलो मैं इसका एक काम करता हूं. जो वजाहत, यार ये तुम लोग के सवाल बार बार ऊपर नीचे खुद भाग रहे हैं, क्या हो रहा है? अच्छा सही है, सॉरी, मैं आई एम गोइंग बैक अप, ठीक है? If we are in a partnership, one is writer and other one is will finance, then should I change him for every phase? No, you don't have to change him for every phase. अगर एक राइटर है तो उसको राइटर रखो. मैं तो बोलता हूँ भाई, अगर तुम लोग को एक अच्छा राइटर मिल गया किसी एक निश के लिए और तुम लोग की बुक्स अच्छी जा रही है, तो उसको पकड़ लो, उसको जाने मत दो. अच्छे राइटर्स वो भी एक स्पेसिफिक निश के लिए बहुत मुश्किल से मिलते हैं, सही है? Can Kindle be useful? Wajahat, if we talk about automation, this model has more potential, right? Yes, this model has more potential. If we talk about automation, yes. ठीक है, but more potential as in what? Compared to Amazon associates, I won't say a comparison should be done. दोनों के अपने फायदे हैं, ठीक है? मुझे ये लगता है, और मैं तुम लोग को अपना ख्याल बता देता हूं, अगर आप किंडल में रैंकिंग पे आते हो और आप अगर अमेजॉन एसोसिएट्स में रैंकिंग पे आते हो, तो जब आप अमेजॉन एसोसिएट्स में रैंकिंग पे आते हो तो आप गूगल की रैंकिंग पे आते हो, और गूगल की रैंकिंग पे से हटाना इतनी जल्दी आसान नहीं होता, ठीक है? अमेजॉन फाइवर, अमेजॉन पीएल, इनकी रैंकिंग्स ऊपर नीचे होती रहती है. इस पे बकायदा गेम बिठाया जाता है कि आप अपने आप को कंसिस्टेंटली कैसे रैंक करो. इसके ऊपर ऊपर नीचे तेज हो जाता है. तो कंसिस्टेंसी के मामले में Amazon Associates इज द विनर. बट अगर आप बूस्ट की बात करते हैं कि गिवन मंथ में आपकी स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी रही, आपने अपने आपको रैंक करा और फिर मे बी दो तीन महीने तक रखा उसको ऐसे ही, तो दिस इज अमेजिंग.
मतलब बर्स्ट, एक तरह से आपको एक अच्छा बर्स्ट मिल सकता है पैसों के ऊपर. लेकिन देन अगेन मैं वही बता रहा हूँ, डिपेंड्स के आपकी निश में, आपके जॉनरा में कोई और भी बहुत अच्छा कॉम्पिटिटर आ जाए आपके खिलाफ, या तीन चार आ जाए. यहाँ पे सवाल तो गाइस असद जब्बार का यहाँ पे सवाल था बिटवीन अस्कर मचार. आई एम नॉट गोना आंसर यू. ओ और मे बी आई विल एक्चुअली, बिकॉज आपने बोला था कि मैंने आपका स्किप कर दिया सवाल, तो विच इज वाई आई एम गोइंग टू डू इट. बट प्लीज ये तुम लोग सबको मैं बोलूंगा, ये करना बंद कर दो. मैं असद आपकी बात नहीं कर रहा, मैं जनरली सबको बोल रहा हूँ, सबको बोल रहा हूँ, अपनी ऊपर नीचे ये जो तुम लोग कर रहे हो ना, ये जो बार बार डिलीट करते हो, क्वेश्चन को एडिट करते हो, ये चीजें करना बंद कर दो. इससे मुझे भी कंफ्यूजन होती है, दूसरों को भी होती है. ठीक है. आई हैव रिसर्च्ड अबाउट जॉनरा एंड अबाउट मोस्ट आर रिटन इन फिक्शन पर्सनल डेवलपमेंट. यस एग्जैक्टली, फिक्शन का बिल्कुल ठीक है. फिक्शन इज रियली फेमस ऑन किंडल. व्हाट यू सजेस्ट, व्हाट आर नॉमिनल रेट्स फॉर गेटिंग शॉर्ट स्टोरी रिटन इन फॉर 8,000 वर्ड्स. मैं काम करता हूँ, और मैंने ये आपको एक दो सवाल पहले भी बता दिया है, कि मैं जो हूं ना इसका एक कैलकुलेशन बना देता हूँ नेक्स्ट क्लास में. दिस क्लास वॉज नॉट अबाउट कैलकुलेशन एट ऑल, दिस वॉज जस्ट अबाउट किंडल. वाई आई टेल यू, वाई टेल यू फॉर पीपल, देयर सम पीपल हु डू नॉट इवन नो अबाउट किंडल एंड दे जस्ट वॉन्ट टू नो अबाउट अ मॉडल विच कैन हेल्प देम इंक्रीज दिस सोर्स ऑफ इनकम. दैट इज इट. दिस क्लास वॉज फॉर देम टू नो. फ्रॉम नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स हम लोग चीजें आहिस्ता आहिस्ता करके टेक्निकल होते रहेंगे, जैसे हम लोग अमेजोन एसोसिएट्स में हुए, जैसे जैसे हम शॉपिफाई में हुए, इसमें भी हम और ज्यादा टेक्निकल होते जाएंगे विद टाइम. ठीक है, तो आपको इसका सवाल सवाल का जवाब मिल जाएगा. ओके. Will you be talking about public domain books? ये मैं कर चुका हूँ. Javeria, can you tell us about how to make an ID for Kindle? Yes, I can tell you. But वैसे मैं बता रहा हूँ Javeria, you can hook up your Kindle ID with Payoneer. One, number two, it's just as easy as Amazon Associates. But I'll still do it for you, just for the sake because you said it. मैं ये कर लूँगा. Include probably in the next class. Yeah. And can we create Kindle account from Pakistan? Yes. There's something like wholesale Kindle? No. Sikandar Khan, do we need permission from Amazon or someone else to write on a niche topic? No. You can do it on any niche you want. Koi problem nahi hai isme. Arslan, will there be any paid tools? लेकिन हाँ थोड़ा एक्सप्लोर कर लो, इसमें थोड़ा होमवर्क कर लो कि किन निशेस पे बात हो रही है. मतलब ऐसा नहीं कि उठा के फौरन शुरू हो गया और किसी निश के ऊपर बात करना शुरू कर दी, बिकॉज कमा नहीं पाओगे. ठीक है. I have no issues. I will cover that. मुझे कोई मसला नहीं है. मैं एक वो सेशन कर लूंगा आईडी के ऊपर with screenshots and all. जैसे मैंने Amazon Associates के लिए करा था. There's something like, okay, do we need permission from Amazon? ये मैं जवाब दे दिया. Will there be paid tools? Yes, we will be using. In fact, इसका मैंने जवाब आपको पहले ही दे दिया था, मैं क्योंकि नीचे चला गया था थोड़ा, right? Time required daily and in total earning. ये वही बात है मारुक. I hope it's okay. अगर मैं इसका जवाब next class में दे दूँ आपको, because this is bit कि मैं डिटेल में जाके बता रहा हूँ हर चीज को. हाउ डैड इज ऑलवेज रिच, कैन वी राइट विथ सो मेनी इमोशनल स्टोरीज टच इट अप.
So many emotional stories. Yes. So touchy topic. Should go with own idea or should hunt such niche? Okay, so here's the thing. You have to do your research. This goes for everyone. तो साथ का सवाल ये है कि अगर मेरे पास कोई बहुत इमोशनल टॉपिक है और मुझे नहीं पता कि कितने लोग अमेजोन पे उस पर लिख रहे हैं, तो क्या मैं लिखवाना शुरू कर दूं या पहले मैं रिसर्च करूं, मैं देखूं उस पर कोई कॉम्पिटिशन है? इफ आई वॉज इन योर प्लेस, यू हैव टू थिंक लाइक अ बिजनेसमैन, नॉट लाइक एन आर्टिस्ट. अनफॉर्चुनेटली, इवन दो मैं आपको एक बात बताता हूँ, एंड दिस माइट कम एज अ सरप्राइज टू मोस्ट ऑफ यू गाइस, ठीक है, आई एम गोइंग टू टेल यू समथिंग, और काफी सरप्राइज हो गया आप लोग सब. आप लोग में से कितने लोग बहरिया टाउन गए हैं? वन दबा दें, सिर्फ वन दबा दें. ओके, सो दैट्स ऑलमोस्ट लाइक एवरीवन. ठीक है, बहरिया टाउन एम्यूजमेंट पार्क लाहौर, इस्लामाबाद और कराची वाला सबने देखा हुआ है. ओके, ठीक है, मैं आप लोग को आज भी ब्लूप्रिंट्स दे सकता हूं. आज भी मेरे फादर ने, मैं आपको ये बता रहा हूं कि माय फादर वाज एन आर्टिस्ट, ही वाज, और मैंने आप लोग को ये अभी बताया है, माय फादर वाज एन आर्टिस्ट. बहरिया टाउन अम्यूजमेंट पार्क जो पूरा बनाया हुआ है, मैं आप लोग को खुद अपने अपने डैड की बनाई हुई पूरी डायग्राम दे सकता हूँ, पूरा ब्लूप्रिंट दे सकता हूँ. और यहां तक मैं आप लोग को ये भी बताता हूँ कि बहरिया टाउन लाहौर में या इस्लामाबाद में, कौन मुझे बताएगा कि वो है केव, एक केव रेस्टोरेंट के नाम से एक है जगह, ठीक है. और क्यों, और इनमें आप लोग में से काफी सारे ये लोगों को भी पता होगा कि केव रेस्टोरेंट जो है वो पहले इस्लामाबाद में एक प्रॉपर रेस्टोरेंट भी होता था, और उसके ओनर का नाम था साद. ये मैं स्टोरी क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज नो वन नोज कि वो केव रेस्टोरेंट मेरे डैड ने बनाया. नो वन नोज कि बहरिया अम्यूजमेंट पार्क का जो पूरा ब्लूप्रिंट है वो मेरे डैड ने बनाया. नो वन नोज दैट. आई टोल्ड यू गाइज दिस मे कम एज अ सरप्राइज टू यू गाइज, और मैं तुम लोग को ब्लू प्रिंट दिखा सकता हूँ. आई हैव ऑल द ब्लू प्रिंट. और मैं आप लोग को ये भी बता दू कि मेरे फादर के साथ जो हुआ उनके आखिरी टाइम में, उनकी किडनी फेल हुई थी ड्यू टू हाई ब्लड प्रेशर. आई डोंट वॉन्ट टू एडवर्टाइज दिस कि किसने किसको धोखा दिया, बट बड़े नाम भी थे, मलिक रियाज, जो उनका बेटा है, मैं उसका नाम भूल गया, और जो केव रेस्टोरेंट का ओनर है, साद नाम है जिसका, ठीक है. मैं आप लोग को ये भी बताना चाहता हूँ कि कुछ मेरे अब्बू के साथ, मेरे मेरे डैड के साथ कुछ इतना बड़ा धोखा, अली रियाज की बात करूं मैं, हाँ, इतना बड़ा धोखा हुआ कि दो तीन, मतलब दो चीजें हुई थी एक साथ ही हुई थी सेम टाइम लाइन में, कि उनकी हाई ब्लड प्रेशर की वजह से उनकी जो है ना किडनी फेल हुए थे, एंड दैट इज ड्यूरिंग दैट गिवन टाइम, ठीक है. तो बताने का मकसद क्या है, व्हाट डज हैज टू डू विद दिस? डोंट, मेरे फादर, मेरे लाइक आई एडोर माय फादर लाइक एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड, एंड ऑब्वियसली लाइक वन कैन ओनली थिंक अबाउट स्टेपिंग इन योर फादर्स शूज, बिकॉज यू कैन नेवर डू दैट, बिकॉज आपकी नजर में आपके जो फादर होते हैं उनकी एक अलग ही दुनिया में दर्जा होता है. आप बोलते हो कि मैं कुछ करके भी उन तक नहीं पहुंच सकता, लेकिन मैं आप लोग को एक एक बात बताना ये चाह रहा हूँ इससे रिलेट करके, कि मेरे फादर में जो वो खुद बोलते थे, वो मुझे बोलते थे, बेटा मेरे अंदर एक चीज मिसिंग है जो तुम्हें अपने अंदर लानी है. आई एम नॉट अ गुड मार्केटेयर, आई एम नॉट गुड विद मैनेजमेंट, और इस वजह से लोग मुझे धोखा दे जाते हैं. ये बात मैं तुम लोग को समझाना चाह रहा हूं. एक आर्टिस्ट जो होता है ना, एक ही इज लाइक एन इन्वेंटर, ही इज लाइक एन इनोवेटर, लाइक वो ही कम्स अप विद समथिंग न्यू, सही है. एंड पीपल हु हैव द मार्केटिंग स्किल्स यूजली टेक ऑल ऑफ द क्रेडिट, सही है. यूजली दैट हैपेंस इन मोस्ट ऑफ द केसेस एटलीस्ट. यही चीज मैं तुम लोग को बताना चाह रहा हूं कि तुमने जो बात करी है ना, इट एक्चुअली brought me back that memory of my dad, जो वो मुझे बताते थे कि I want you to become someone from, मतलब एक business की तरफ जाओ और उस तरफ जाओ. और वो as a amazing artist, I had amazing artist skills when I was like class KG से लेके, पता नहीं class 1 से लेके class
नाइन या क्लास सेवन तक मैं फर्स्ट आया हमेशा आर्ट्स में. इन माई ओ लेवल्स आर्ट की भी क्लास होती थी. तो आई स्टिल रिमेम्बर मेरे जो मैं चाहता था कि मैं आर्ट्स की तरफ जाऊं. मेरे फादर हमेशा मुझे बोलते थे कि मैं तुम्हें नहीं आने दूंगा. एंड इट इज बिकॉज कि उनको धोखे बहुत मिले इस चीज के ऊपर. बिकॉज ही वाज वे टू ऑनेस्ट एंड पीपल यूज टू टेक क्रेडिट ऑफ ऑफ हिम. सही है. तो एक बात बस अपनी ये दिमाग में रखना कि या कि थिंक एज अ बिजनेसमैन. ठीक है, थिंक एज अ बिजनेसमैन. अपने दिमाग में इस बात को सोचो कि अगर तुम सिर्फ क्रिएटिविटी के बारे में सोचोगे या सिर्फ ये सोचोगे कि मैं कुछ नया बना लूं तो तुम फंस जाओगे प्रॉबेबली. मैं बताऊं, आई विल बी ऑनेस्ट विद यू एंड आई वोंट लाई. मैंने मैंने जो ड्रॉप शिपिंग को हटा दो, अगर ड्रॉप शिपिंग को हटा दो तो प्रिंट ऑन डिमांड में एक डिजाइन भी मेरा नहीं है. मैं तुम लोग को, मैंने अपना अभी प्रिंट ऑन डिमांड का जो स्टोर है जिसका मैंने तुम लोग को बताया है, thevirlcreations.com, इसका मैंने बिल्कुल गोला गंडा बना दिया है. लेकिन मैं तुम लोग को बता रहा हूँ कि इस स्टोर से, स्पेसिफिक स्टोर से, कितना बुरा स्टोर है दिखने में. कोई भी बोल सकता है कि यार इतना कोई खास स्टोर नहीं है कि आप बोलो. $14,000 बनाए इससे सिर्फ 3 से 4 महीने के अंदर, सिर्फ लाइक $14,000. सही है, विद इन 3 months टाइम. इनमें से एक भी डिजाइन मेरा नहीं है. डिजाइनर्स ने मुझे दिए, मैंने उनको पैसे दिए, उन्होंने जो ना डिजाइन करवाया और मैंने ये यहाँ पे करा. मेरे पास मार्केटिंग स्किल्स थी, मैंने उसको मार्केट किया. मैं तुम लोग को वो बताना चाह रहा हूँ, एक लेसन लर्न जो मेरे फादर, इट्स नॉट बैड टू बी अ डिजाइनर और एन आर्टिस्ट, इट्स नॉट बैड एट ऑल. आई एम नॉट सेइंग दैट कि इट्स रियली इट्स बैड टू बी एन आर्ट. आई एम जस्ट टेलिंग यू कि इफ यू आर एन आर्टिस्ट, ट्राई टू गेट दैट दैट मार्केटिंग स्किल एज वेल. ठीक है, अनफॉर्चुनेटली मेरे प्रोबेबली एक दिल में बात रह गई हमेशा कि जब मेरे, मैं उस वक्त जॉब मार्केट में सही से आया भी नहीं था जिस वक्त मेरे फादर की किडनीज फेल हुई थी. और हम लोग के पास इतने भी सही से पैसे नहीं होते थे कि हम उनका डायलिसिस करा लें. हफ्ते में 3 बार डायलिसिस होता था, कि उनके डायलिसिस के भी पैसे नहीं होते थे हमारे पास सही से. इतना हम लोग जो है ना उस वक्त एक कड़ी सिचुएशन से गुजरे. और मैं आप लोग को बताता हूँ ये मेरी फादर जो अगर आप लोग ने वो देखा हो, मैं भूल गया हूँ इसकी लोकेशन क्या थी. ये सब कुछ मेरे डैड का हाथ का बनाया हुआ है. सही है, ईच एवरीथिंग लाइक. एंड बाय द टाइम दिस वाज द फर्स्ट एड जो मैंने, मतलब मुझे याद है मैंने रखा था उस वक्त मेरे फादर की किडनीज फेल थी. एंड मैंने अपने फादर को दिखाया था कि देखे मैं अब आपके लिए कितना बिजनेस अभी लेके आया हूँ. लोग पागलों की तरह मैसेजेस करना शुरू हो गए थे, 36 कमेंट्स, 1400 लाइक्स, लोग पागलों की तरह मैसेज करना शुरू हो गए थे. लेकिन बाय दैट टाइम जब मैं अपने फादर के पास जाके बैठा और मैंने उनसे बोला कि सुने ये आया है और लोग ऑर्डर्स प्लेस कर रहे हैं, अब बताएं, अब मैं आपका साथ देता हूँ. बिकॉज एट दैट टाइम मैं फाइनली कुछ सीखा था और उस वक्त मैं नया नया सीखा था और सब कुछ हुआ था. तो इट वॉज टू लेट, ही वॉज लाइक के अब मेरे अंदर हिम्मत नहीं है, अब मैं नहीं कर सकता. तो बस यही चीज मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि भाई आप लोग अगर क्रिएटिव हो किसी चीज में, एंड दिस गोज फॉर ऑल द राइटर्स एज वेल, ट्राई टू अटैच योर सेल्फ विद अ मार्केटियर और ट्राई टू डेवलप दैट दोज मार्केटिंग स्किल्स विद इन योर सेल्फ एज वेल. ठीक है, या सो apart from writing expenses, what other expenses are there? How much? यार ये मैं बता चुका हूँ, please मैं इसको skip कर रहा हूँ, please do not mind. मैं आपको बता चुका हूँ इसको मैं cover करूँगा. I swear to God इसको बहुत detail में cover करूँगा मैं बता रहा हूँ ये session सिर्फ introductory था. ठीक है, how many niches can we work at the same time? Just work with one niche. मैं अभी आप लोग को, मैं personally recommend नहीं करूँगा कि आप लोग एक niche से ज़्यादा पे काम करो. हाँ, तुम लोग सोच लो कि 3 niche, 4 niche हैं. मुझे कौन सी niche हम लोग select करें? मैं उसमें तुम लोग की हेल्प कर दूंगा कि ये निश सेलेक्ट करो, उस पर 3 ये टॉपिक से सेलेक्ट कर लो, या तुम लोग के पास 10 टॉपिक्स है, 10 में से ये 3 सेलेक्ट कर लो, वो मैं हेल्प कर दूंगा. लेकिन स्टिक टू वन निश. कैन वी फाइंड सच अ ईबुक ऑन किंडल हुज कंटेंट इज एक्सलेंट बट नीड सम इम्प्रूवमेंट्स, टाइटल एंड कवर इमेज? आई थिंक आई हैव, इस तरह का सवाल मैंने, इसका जवाब मैंने शायद ऊपर दिया है. नहीं,
नहीं, यू कैन नॉट डू दैट. मैंने इनफैक्ट इसका जवाब दिया है. हाँ, यू कैन नॉट डू दैट. मतलब यू कैन टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम फ्रॉम दैट बुक, यू कैन हैव इट पैराफ्रेज्ड, यू कैन हैव इट पैराफ्रेज्ड, नो प्रॉब्लम विद दैट, बट डू नॉट कॉपी द कंटेंट. सही है, टेक इंस्पिरेशन. ओके, सो कैन यू रिपीट इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड फॉर आउटसोर्सिंग ऑल द वर्क. यार मैं सब लोग एक ही बात. भाई तुम लोग अपना सवाल डिलीट कर दो, मैंने तुम लोग को बोल दिया मैं नहीं बताऊंगा तुम लोग को इस सेशन में ये बात. एक ही बात सब, हर उसमें एक ही बात. मैं समझ सकता हूँ, एंड इट्स ओके, लाइक आई सेड, इट्स ओके टू बी क्यूरियस, टू बी एंक्शियस विद आगे क्या आने वाला है, क्या होगा, सब बताऊंगा मैं, मुझे कोई मसला नहीं, बट आई हैव टू टेक इट स्टेप बाय स्टेप. ठीक है. आर देयर रिस्ट्रिक्टेड निशेस और कैन वी राइट इन एनी निश. इसका भी सवाल का जवाब मैंने दे दिया. आई होप इट्स प्रीटी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी बाय नाउ. सही है. व्हाट अबाउट राइटिंग इन उर्दू के? नो प्लीज डोंट, डोंट, बिग नो. आई डोंट नो किसका सवाल है, मुझे नहीं पता, लेकिन बिग नो. ठीक है. कैन किंडल ई बुक, कैन किंडल बुक रीडर कनेक्ट विद द ऑथर अगेन मेनी वेज इन बिल्डिंग द निश स्पेसिफिक सर्विस? विच ऑथर? जिस जिस निश में आप लिख रहे हो उसी निश में आप ऑथर ढूंढोगे, वो आपकी हेल्प करेगा? ऐसा कभी भी नहीं होगा. सही है. तो या दिस कैन हेल्प अस इन मेनी वेज इन बिल्डिंग अ निश स्पेसिफिक सर्विस. बेहतर ये है आप डिफरेंट निश में जाके आप लोगों से हेल्प मांगो. कम्युनिटीज हैं फेसबुक की, ऑथर्स की, वहां पे हेल्प मांगो, वहां से लोगों का एक्सपीरियंस लो, बेहतर ये है. ठीक है. सो या दैट्स प्रीटी मच इट गाइस. आज यहाँ पे हम लोग खत्म करते हैं सेशन को. मुझे पता है, आई डोंट नो आप लोग शुरू में क्या एक्सपेक्टेशन रख रहे होंगे, लेकिन मैं अपने लिहाज से चीजों को लेकर चलूंगा. मैं रश नहीं करूंगा. मैं जब तक हर किसी मैं अपने सेशंस इतने हद तक रखूंगा कि सबको समझ आए, समझ आएगी तो ही आगे बढ़ने में मजा है. और ये बात प्लीज, आई होप यू रिस्पेक्ट अदर्स. मैं अपनी बात नहीं कर रहा, डू नॉट रिस्पेक्ट मी और नॉट, दैट इज अनदर थिंग. रिस्पेक्ट अदर्स जो आप लोग के साथ हैं, दोज हु डू नॉट इवन नो द मीनिंग ऑफ किंडल, जिनको नहीं पता था. मैं सेशन को इस तरह लेके चलूंगा फ्रॉम बॉटम. अगर किसी को किसी ने पब्लिश कर दिया, यहाँ पे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बोला है कि मैंने किंडल पे ई बुक पब्लिश करी है, ये वो, मेरे पास ऐसे क्वेश्चंस आए, तो फिर वो प्रोबेबली मेरे पास आए उस सेशन से जहां से मैं मार्केटिंग स्टार्ट कर रहा हूँ. ठीक है. देन प्रोबेबली उनके ये सारे सेशन उनके लिए फजूल है. स्टार्ट फ्रॉम द मार्केटिंग वन देन. ठीक है. चले अब हम लोग यहाँ पे इसको एंड करते हैं आज. मैं शेयर कर चुका हूँ स्लाइड्स, मैंने शेयर करी है. प्लीज कैन यू सेंड, कैन समवन शुड री शेयर द लिंक. ओके गाइस, चलो अल्लाह हाफिज़.